So good morning everyone. Sorry, good evening everyone. Good evening. Good evening, good evening. Priyanka, Divya, Anjali. Good evening, beta. Swati ji, good evening. Vedant, good evening. Vivek ji, good evening. Shiv Kumar ji, good evening. Good evening everyone. ओके शिव कुमार जी की आज पहली क्लास है, कोई बात नहीं. ठीक है, सो गुड इवनिंग एवरीवन. आयुषी, हर्षल, फौजिया, गुड इवनिंग एवरीवन. मैंने लाइफ साइंस का कोर्स परचेस किया है आज सुबह, पर अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ. ओके अंजलि, आज बहुत कम बच्चे हैं, अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया, आ जाएंगे. ठीक है साहू जी, गुड इवनिंग. ओके चलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन. जो भी लोग सेशन में आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग. और आज के दिन हम एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर सेकेंड पार्ट है ड्यूट्रोस्टोम्स, उसके बारे में बात करने वाले हैं. ड्यूट्रोस्टोम्स के फीचर्स आप सभी को पता है, और अब इन्हीं ग्रुप ऑफ एनिमल्स के बारे में अब आगे सारी बातें चलेंगी. प्रोटोस्टोम्स के बारे में जो भी डिस्कशंस करना था हमने कल के सेशन में कर रखा है. अगर कल के सेशन से किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई चीज नहीं समझ में आई है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसको पूछ सकते हैं. आज भी ज्यादा कंटेंट कल जितना ही है. हाँ जी ठीक है, मैं कोशिश करूंगा फौजिया बेटा आराम से पढ़ाने की, देखते हैं. ठीक है चलिए, सो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं, बाकी आप लोग लाइक और शेयर करते रहें. आज लेक्चर नंबर 22 है, और डेफिनेटली हम एक सेशन और दूर हैं कि हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन का जो सारा सेगमेंट है, सारा पार्ट है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा. ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विकास जी, गुड इवनिंग. सो गुड इवनिंग एवरीवन. रेशमा, गुड इवनिंग. सो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, और आई होप आज भी कई सारे बच्चों ने रक्षाबंधन मनाया होगा. विकास जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आई होप आप भी बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई चल रही है आप सभी की, है ना. गुड इवनिंग रूपा जी, और बाकी सारे ऑफर्स जो भी हैं वो आप सबको पता ही हैं. ये अभी भी जो हमारा ऑफर है वो खत्म नहीं हुआ है. सर इसके बाद कौन सी यूनिट शुरू होगी ये तो मुझे नहीं पता, ये तो जब शुरू होगी तो ही पता चलेगा. ठीक है, गुड इवनिंग सुदेशा. ऑफर्स जो भी हैं लाइफ साइंस, CSIR नेट लाइफ साइंस को लेकर के, आई होप आपको मालूम है. नहीं पता है तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं. अगर आप किसी भी कोर्स, इट कुड बी लाइव और रिकॉर्डेड, आप किसी भी कोर्स का हिस्सा बनते हैं,
तो आपको सीधे हर एक कोर्स के ऊपर 50% का ऑफ मिल जाता है। ठीक, अगर आप लाइफ साइंस के ही कोर्स की बात करते हैं, लाइव कोर्सेज की, तो आप 24,000 की जगह आप सिर्फ और सिर्फ 12,000 में ही कोर्स को परचेस कर सकते हैं और 100 टॉप रैंकर्स को उनकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। जी हाँ, ये सारी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी है, आज के सेशन में भी दे रहा हूँ और ये सब कुछ जारी रहेगा 15 अगस्त तक। ठीक है, 15 अगस्त तक ये सब चीजें कंटिन्यू रहेंगी। दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर ऑन विच यू कैन कॉन्टैक्ट, और उसी के साथ साथ आप कोई भी जानकारी लेना चाहें तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जा सकते हैं। और चलिए आप शुरुआत करें आज के सेशन की। जो भी बच्चे सेशन में आ चुके हैं उन सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग, और जो बच्चे नहीं आए हैं उनको बुलाइए कि सेशन शुरू हो चुका है, काफी सारा कुछ आज हम पढ़ पाएंगे, है ना। आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, अब दिखाई दे रहा हूँ क्या, चेक करो जरा, अब मैं दिखाई दे रहा हूँ। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। चलो फटाफट शेयर और लाइक चलता रहे। और आज इतने कम बच्चे क्यों हैं भाई, ओनली 27, ओनली 25। अगर आज 100 क्रॉस नहीं होता है तो, अगर आज 100 क्रॉस नहीं होता है तो आज के सेशन को ही हम अंतिम सेशन बना देंगे। ठीक है, आज के सेशन को ही अंतिम सेशन बना दिया जाएगा। अगर 100 क्रॉस हो जाते हैं तो कल एक सेशन और ले लिया जाएगा। ओके ओके, मिठाई खा के सो गए सब लोग। अच्छा, राखी बंधवा रहे हैं। अच्छा, आज रक्षाबंधन बना रहे हैं। अच्छा, कल बहुत फास्ट हुआ था इसलिए भाग गए। ओके, आपका एफएस का टेलीग्राम चैनल नहीं है? है बेटा, आप एक बार सर्च करिए, मिलेगा। ठीक है, आज अभी राखी है क्योंकि कई जगह पर, सही बात। गुड इवनिंग रितु जी, मुझे पता है कई जगहों पर आज भी राखी मना रहे हैं। मेरे कई सेशन छूट गए हैं विकास जी। नहीं नहीं सारे सेशन अवेलेबल हैं, अगर वहां नहीं तो आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे, है ना, ऐप के ऊपर भी अवेलेबल है। चलो तो लाइक और शेयर चलता रहे आप सभी का। सर क्या था बट की, अच्छा किया था बट चैनल आपके नाम से, मेरा नाम से नहीं, आईएफएस के नाम से, आईएफएस सीएसआईआर नेट ऐसे ढूंढेंगे तो मिलेगा, मेरे नाम से ऐसा कुछ नहीं है। हम आज मना रहे हैं राखी। ओके, है ना, मुझे पता है कई लोग हैं जो आज राखी मना रहे हैं। सीएसआईआर में वेटेज क्या है डाइवर्सिटी का, उतना ही है जितना कि बाकी सारे यूनिट्स का है। नेट के एग्जाम कब तक होंगे, अगेन कुछ नहीं कहा जा सकता। पब्लिक 5 बजे गए, 5 बज गए, आ जाओ। हाँ जी, बुलाओ बुलाओ सबको। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, और हम एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने जो सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है बेसल फाइला, उसके बारे में बात कर ली है, और बेसल फाइला को डिस्कस करने के बाद हमने लोफोट्रोकोजोआन्स के बारे में भी बात कर ली है, और लोफोट्रोकोजोआन्स के बाद फिर हमने एग्डिसोजोआन्स के बारे में भी बात कर ली है। आज के सेशन में जिस ग्रुप के बारे में बात चलेगी वो है ड्यूटरोस्टोमिया वाले मेंबर्स। ड्यूटरोस्टोमिया के मेंबर्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं एग्जैक्टली, व्हाट आर द ड्यूटरोस्टोम्स, क्या फीचर होते हैं ड्यूटरोस्टोम्स के, एक बार मुझे सारे कैरेक्टर्स याद दिलवाइए, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि ड्यूटरोस्टोम्स में पाए जाते हैं। चलो फटाफट फटाफट सारे लोग, सारे बच्चे जो भी सेशन में जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, ये जो भी फीचर्स हमने पढ़ रखे हैं ड्यूटरोस्टोम्स में पाए जाते हैं उनकी लिस्ट बनाएंगे, है ना, और उस लिस्ट को ऐड करेंगे कहां पर, कमेंट बॉक्स के अंदर। सो व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट वी कैन फाइंड अंडर द मेंबर्स ऑफ ड्यूटरोस्टोम्स। जो जनरलाइज्ड फीचर है, जो कॉमन फीचर्स हैं, पहले उनकी लिस्ट बनेगी, और अगर उनकी लिस्ट बन जाए तो फिर हम उस लिस्ट को ध्यान रखेंगे, है ना। तो फटाफट बता दो सारे लोग,
ठीक है, चलो जल्दी जल्दी बताओ। आप में अभी अभी पीडीएफ नहीं आया, अभी पीडीएफ नहीं आया बेटा, ऐसे कैसे हो जाएगा? सारे नोट्स और सब चीजें डाल दी गई हैं, आ जाएगा। ठीक है, ट्विन्स फॉर्म होते हैं, सही बात है। एंट्रोसिलोम, ट्रिप्लोब्लास्टिक, नॉन कॉर्ड कॉर्डेट प्रेजेंट होते हैं, हाँ जी सही बात है। एट लार्वल स्टेज बायलेटरल सिमेट्री, सही बात है। एट लार्वल स्टेज बायलेटरल सिमेट्री ऐसा क्यों भी? सारे लोगों में पाए जाएंगे, मतलब बायलेटरल सिमेट्री तो वैसे सब में पाया जाएगा। एक ही एग्जांपल ऐसा, एक ही एक्सेप्शन ऐसा है कि लार्वल स्टेज पर बायलेटरल सिमेट्री और बाद में एडल्ट में रेडियल सिमेट्री शो करता है। हाँ, नोटोकॉर्ड, अरे मैं तो पूछ रहा हूँ ड्यूट्रोस्टोम्स के फीचर, आप कॉर्डेट के फीचर बता रहे हो। मैंने क्या पूछा? ड्यूट्रोस्टोम्स के फीचर्स, वो फीचर जो कॉर्डेट्स के हैं, आप उसको क्यों जबरदस्ती घुसा रहे हो ड्यूट्रोस्टोम्स में? क्योंकि ड्यूट्रोस्टोम्स में प्रेजेंट सारे लोग कॉर्डेट्स नहीं है ना। सो आप जो जवाब दे रहे हो, अगर आप उसमें कॉर्डेट नोटोकॉर्ड ये सब बताओगे तो इट इज अ रॉन्ग कैरेक्टर ऑफ प्रोटोस्टोम्स, है ना? सर ऊपर बताए फीचर्स। अच्छा देखो क्या खतरनाक आंसर है कि खुद में खुद नहीं बताना है, कैसे ऊपर जो लोग कह रहे हैं वही सब जवाब है। देखो बढ़िया है सर, यूट्यूब के डाउनलोडेड लेक्चर हाइड क्यों रहते हैं? नहीं नहीं हाइडेड नहीं है, वो आप देख सकते हो प्ले करके। अच्छा आपने बताया था, ओके ओके ठीक है ठीक है। सर वंस अगेन एक्सप्लेन अबाउट द हॉक्स जीन्स। हॉक्स जीन्स का मतलब है आप होम्योटिक जीन्स की बात कर रहे हैं, वो जीन्स जो बॉडी के अलग अलग प्लेन्स को फॉर्म करते हैं, डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड, एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड, जो अलग अलग प्लेन्स हैं, अलग अलग एक्सिस हैं, उसको फॉर्म कराते हैं। अब अगर आप प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स की बात करोगे तो उनके बॉडी के अंदर उतना वेल डिफरेंशिएटेड पोर्शन नहीं होता, हेड टेल बाकी सब चीजें उतनी डिफरेंशिएट उतनी डिस्टिंक्ट नहीं होती है, तो इसीलिए उनके अंदर हॉक्स जीन्स कम पाए जाते हैं या तो नहीं पाए जाते। जैसे जैसे आप हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाते हो, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की तरफ जाते हो, उनके बॉडी के अंदर हॉक्स जीन्स ज्यादा होते हैं और ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं और ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग बॉडी पार्ट्स को बनाने का काम करते हैं। ठीक है सर मैंने ही बताया, अच्छा ठीक है हो गया, पढ़ लिया मैंने। आपने पढ़ा नहीं, अच्छा ओके सॉरी बेटा सॉरी। रेगुलेटिव डेवलपमेंट, हाँ जी। सर अलीशा मैम के इम्यूनोलॉजी वीडियोस नॉट वर्किंग इन ऐप, ओके ठीक है, ऐसा कुछ है तो मैं चेक करता हूँ। गुड इवनिंग एंजल, बहुत दिनों बाद आए हैं शायद एंजल, राइट? मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे वक्त के बाद आपको देखा जा रहा है सेशन के अंदर, गुड इवनिंग। तो चलो ठीक है, आप लोगों को जो फीचर्स आपने बताए हैं उसमें से एक याद रखिएगा क्लीवेज वाला, रेडियल क्लीवेज पाया जाता है, उसके बाद फिर आप लोग याद रखिएगा मोज़ेक डेवलपमेंट नहीं होती, यहाँ पर आपको अर्ली एजेस पर टोटिपोटेंसी या प्यूरीपोटेंसी देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आइडेंटिकल ट्विन्स बन सकते हैं। उसी के साथ साथ जो फर्स्ट ओपनिंग ब्लास्टोपोर होता है वो एनस में कन्वर्ट होता है, सेकेंड ओपनिंग माउथ में कन्वर्ट होता है, जो सिलोम पाया जाता है वो एंट्रोसिलोम होता है, और ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि हम ड्यूट्रोस्टोम्स में पढ़ चुके हैं, है ना? ओके ओके, मुझे नहीं पता बेटा, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। ओके प्रियंका जी गुड इवनिंग। सो अब हम उसी ग्रुप को आगे डिटेल में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और एक एक करके जो भी रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं इनके बारे में बात होगी। तो सबसे पहले जैसे कि सुपर फाइलम ड्यूट्रोस्टोम्स लिख रखा है और उसके अंदर पाए जाने वाले सारे के सारे जो भी फीचर्स हैं वो लिख रखे हैं। ये बात सही है क्या, ये बात गलत है ना, कि प्रोटोस्टोम्स के अंदर फर्स्ट ओपनिंग जो है ये माउथ में नहीं कन्वर्ट होती, बल्कि क्या होती है, सेकेंड ओपनिंग जो है ये माउथ में कन्वर्ट होती है ना? तो एक बार मुझे सारे लोग ये चीज एक्सप्लेन करें कि ये जो लाइन यहां लिख रखी थी वो सही लिख रखी थी क्या, ये वाली फर्स्ट ओपनिंग इज टर्न इनटू माउथ? जी नहीं। मैसेज गायब कैसे हो गए हमारे? ओके मुझे नहीं पता, चलो तो ये बात गलत है ना, यहां पर क्या आएगा, द सेकेंड ओपनिंग विच इज गेट टर्न इनटू अ माउथ एंड दैट इज अ करेक्ट आंसर। अच्छा आपके भी हो गए, हाँ वेरी गुड शाबाश।
शाबाश, वेरी गुड। तो ये सारे फीचर्स हैं, लार्ज कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं इस ग्रुप से बिलोंग करने वाले सारे मेंबर्स। इसके पहले तक के जो मेंबर्स थे वो छोटे बॉडी साइज के हो सकते हैं, या फिर देखने को मिलेगा उनके अंदर जो जो भी यूनिक फीचर्स हैं, बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप जिसके बारे में बात करने वाले हो, ये बड़े साइज के होते हैं और कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं। रेडियल क्लीवेज होता है अर्ली डेवलपमेंट के दौरान, ये बात भी हमें पता है। सेकेंड ओपनिंग विल टर्न इनटू माउथ एंड द फर्स्ट ओपनिंग विल टर्न इनटू एनस, राइट, ये भी हमें पता है। ये सारे मेंबर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सही बात है। सारे मेंबर बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, सही बात है, गलत कहीं से भी नहीं है। ये इसके आगे जो भी मेंबर्स के बारे में, जो भी एनिमल्स के बारे में बात होगी, वो सारे लोग बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, यस दैट पॉइंट इज ट्रू। एंड द एंड्रोसोलोमिक कंडीशन होती है, यस दिस पॉइंट इज ऑल्सो ट्रू, ये सारी बातें सही हैं। ओके ओके, टॉप चैट सेलेक्ट ना करें, लाइव चैट सेलेक्ट करें। ओके, सही बात है, ऐसा हो सकता है कुछ गड़बड़ी ऐसी चल रही हो। तो टॉप चैट्स में कुछ होता है क्या? अच्छा, कुछ तो एक ऑप्शन है टॉप चैट का, क्या है? सम मैसेजेस सच एज पोटेंशियल स्पैम मे नॉट बी विजिबल। अच्छा, टॉप चैट में ऐसा होता है, ठीक है। तो जो भी थोड़े से ऐसे कुछ टर्म्स, ऐसे कुछ वर्ड्स आपने मेंशन किए हैं या कुछ ऐसे सिंबल्स डाल दिए हैं जो कि ठीक नहीं है, तो वो स्पैम में चले जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते, मे बी ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, सो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। दिस इज व्हाट द फीचर ऑफ ड्यूट्रोस्टोम्स। अब बढ़ते हैं इन्हीं फीचर्स के साथ आगे, ठीक है। गुड इवनिंग आदित्य, गुड इवनिंग। ओके, तो अब इन्हीं फीचर्स के साथ डिस्कस करना है अपने को एक एक फाइलम्स को। सब एक एक फाइलम को इंट्रोड्यूस किया जाए। ओके, शुरू करें फिर, तैयार हैं सारे लोग, रेडी हैं? एक बार बता दो, गुड इवनिंग, यस या नो, तैयार है कि नहीं, फटाफट बता दो। यस, लेक्चर क्या हो गया विक्रम जी? अच्छा, यस यस, ओके यस, वेरी गुड। और अभी 100 का आंकड़ा पहुंचा नहीं है, मैंने कहा है कि आज अगर 100 नहीं हुआ तो आज ही सेशन लास्ट होगा, मतलब स्पीड बढ़ेगी, गाड़ी दौड़ेगी और फटाफट आज ही सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, रेडी, चलो बढ़िया। और शेयर वर चलता रहे, लाइक वाइक चलता रहे, ठीक है। यस सर, आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? आज वैसे ड्यूट्रोस्टोम्स वाला टॉपिक शुरू हुआ है मैम, और ये सारे फीचर वीचर हमने पढ़ लिए अभी तक, और यही बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ कि अब शुरू करें, आगे बढ़े, एक एक फाइलम इंट्रोड्यूस करें कि नहीं करें। गुड इवनिंग एवरीवन, यस, कहाँ है बाकी? लाइक एंड शेयर करो जल्दी से, सबको बुला लो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। शिव कुमार जी, कोई बात नहीं है, आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बाकी सारे बच्चों से कह रहा हूँ जो हमारे रोज के स्टूडेंट हैं, गुड इवनिंग। अच्छा, भाग गए सब, या वैसे मेजर तो है इसमें, मेजर तो बॉटनी वाले हैं, बट कई लोग हिम्मत हार चुके हैं। बढ़िया, बढ़िया है, बढ़िया है। तो मैम फिर अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक है, शुरू करते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो ठीक है, पहला फाइलम ले आए फिर? नहीं सर, हम बॉटनी से हैं। हाँ, मुझे पता है, अभी बॉटनी वाले भी हैं, जी हाँ, सही बात है। चलो, तो सबसे पहले जो भी ग्रुप्स ड्यूट्रोस्टोम्स के हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या क्या है, कौन कौन से हैं, एक एक करके देखिएगा। जो बचे हुए ग्रुप्स हैं, जैसे कि इकाइनोडर्माटा सबसे पहला मेंबर, और आप कह दें कि ड्यूट्रोस्टोम्स का,
फिर हेमिकॉर्डेट, इंटरमीडिएट बिटवीन कॉर्डेट एंड हेमिकॉर्डेट, और उसके बाद ये आ गया कॉर्डेटा। ऐसे तीन ग्रुप्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे मेजोरिटी ऑफ द टाइम। इकाइनोडर्माटा को लेकर के कुछ बातें होंगी, बहुत सारे यूनिक पॉइंट्स हैं, बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं, बहुत सारी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इस ग्रुप में हैं और यहाँ से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। फिर ये जो इंटरमीडिएट ग्रुप है इसके बारे में थोड़ी बहुत बात हो जाएगी, मेलानोग्लॉसिस वाली, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा का मेंबर है और कुछ यूनिक कनेक्शंस हैं इन दोनों के बीच में, उसके ऊपर चर्चा होगी। फिर बात आती है कॉर्डेट्स की, और कॉर्डेट्स मतलब नाउ वी आर टोटली टूवर्ड्स अ हायर ऑर्गेनिजम्स और हायर एनिमल्स, तो इन हायर एनिमल्स के क्या क्या फीचर्स हैं इनको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, एक्सप्लोर किया जाएगा। लैंसलेट्स, ट्यूरिकेट्स और फाइनली वर्टिब्रेट्स, ये सारे ग्रुप्स हैं जो डिस्कस होंगे। यहाँ से काम की बात ये है कि ऑल दीज फाइलम्स दे आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। व्हिच टू कैटेगरीज? दीज टू कैटेगरीज आर वेरी फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एम्ब्यूलेक्रारिया। एम्ब्यूलेक्रारियंस मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द सीलिएटेड लार्वा कंटेनिंग मेंबर्स, ऐसे मेंबर जिनके अंदर सीलिएटेड लार्वल फॉर्म्स हो सकते हैं, है ना। सीलिएटेड लार्वल फॉर्म्स दिखाई दे तो उनको हम एम्ब्यूलेक्रारियंस कह देते हैं, और एम्ब्यूलेक्रारियंस के अंदर दो ग्रुप आ जाएगा, सबसे पहला आपका हेमिकॉर्डेट और सॉरी इकाइनोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डेटा, ये दो ग्रुप आ गए, ध्यान रख लेना, भूलना नहीं। क्वेश्चंस में ये स्टेटमेंट, ये टर्म लिखा होगा, अगर आपने नहीं समझा इसका मतलब तो वहां पर गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। एग्रीड विद ओके, ठीक है, सारे लोग पढ़ रहे हैं, क्या है, प्लीज यूट्यूब डाउनलोड, वीडियो को अनहाइड कर दीजिए। अजय जी, या ऐसे सारे बच्चे जो भी डाउनलोडेड वीडियोस को बाद में देखने की इच्छा रखते हैं, उन सभी के लिए आज तो स्टार्ट करवा दो। अच्छा ठीक है, सो प्लीज हमारे रिक्वेस्ट देख लीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि वो सारे बच्चे जो कि यूट्यूब के ऊपर डाउनलोड करके वीडियोस देखते हैं, अगर आपने लाइक कर रखा है वीडियो को तो वो कभी भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। दूसरा ये है कि ये सारे वीडियोस ऐप के अंदर हम आपको दे ही रहे हैं, तो क्यों ना आप ऐप के अंदर आए और ऐप में सारी चीजें आपको एक साथ एक जगह मिल जाती हैं, तो आप वहां पर यूज करें, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं वहां पर। फिजियोलॉजी चलाइए नेक्स्ट। अब ये तो भविष्य है, अभी मैं कैसे बताऊं क्या चलेगा, कौन से टॉपिक चलेंगे, वो फ्यूचर है, अभी समय है उसके लिए। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, एम्ब्यूलेक्रारियंस एंड देन कॉर्डेट्स, ऐसी दो कैटेगरीज हैं और इनके अंदर हम कुछ कुछ फाइलम्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो सीधे आते हैं सबसे पहले ग्रुप की तरफ, एंड दैट फर्स्ट ग्रुप इज इकाइनोडर्माटा। नाम से समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, किस प्रकार के एनिमल्स के बारे में आप बात कर रहे हो। ऐप में भी नहीं है क्या? नहीं है ऐप में, सारे लेक्चर्स ऐप में आ जाएंगे भाई, मैंने सुबह ही बात कर ली है, भाई भेजो उसको, अपडेट करो, अपलोड करो, मैंने कह दिया है, हो जाएगा, ठीक है। चलो, इकाइनोडर्माटा का मतलब क्या? इकाइनो या एचिनो, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, इसका मतलब होता है स्पाइनी आउटग्रोथ कंटेनिंग और हेरी आउटग्रोथ या ट्राइकोम कंटेनिंग एनिमल्स। सो इकाइनो या एचिनो अगर आप कह रहे हैं, मींस अ ब्रिस्टल कंटेनिंग, जो भी स्किन होगी उसके ऊपर खुरदुरे या नुकेले कुछ कांटों जैसा अपीयरेंस होगा, ऐसे किसी एनिमल की बात करो। इकाइनो मींस दैट स्पाइनी स्ट्रक्चर एंड डर्माटा मींस ऑन अ स्किन, दैट्स व्हाई स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स कह दिया जाता है इकाइनोडर्माटा के मेंबर्स को। और जो भी एग्जांपल आप इसके पढ़ोगे, आप सी जो है सी अर्चिन पढ़े, आप स्टार फिश पढ़े या फिर सी फेदर्स पढ़े, ऐसे जो अलग अलग एग्जाम्पल सी डॉलर्स देखें, जो भी अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं वो सबके सब के अंदर ये वाला फीचर बड़ा कॉमन है, या ब्रिटल स्टार अगर देखें तो सभी के अंदर ये वाला फीचर देखने को मिलेगा। अब इस ग्रुप की खासियत क्या है, कौन कौन सी बातों को लेकर के इस ग्रुप में से क्वेश्चन आ जाता है, तो ड्यूट्रोस्टोम्स के जो भी फीचर्स पढ़े वो सारे फीचर तो यहाँ आते ही हैं। द फीचर्स ऑफ ड्यूट्रोस्टोम वो तो यहाँ होगा ही होगा, बट बाय डिफॉल्ट उसके अलावा, ये जो बाय डिफॉल्ट फीचर्स है उसके अलावा आप देखोगे कि कुछ और भी यूनिक फीचर्स हैं जो इकाइनोडर्माटा में ही मिलते हैं, और इसी से क्वेश्चन आता है, क्योंकि ड्यूट्रोस्टोम वाला फीचर तो आपको याद है। अगर आप कह दो कि दिस ग्रुप बिलोंग्स टू ड्यूट्रोस्टोम्स, दैट मींस बाय डिफॉल्ट वो सारे फीचर्स में होंगे ही होंगे, है ना। कैमरा में
मिस्टेक क्या क्या? अच्छा आपस में बातें कर रहे हो, कहाँ कैमरा में कोई मिस्टेक है? अच्छा नमस्कार शिखा जी, अनुराग जी कह रहे हैं रीजनरेशन देखने को मिलता है, अच्छा ठीक है चलो देखते हैं। तो अब वो सारे फीचर जो इस फाइलम के मेंबर्स में यूनिक है वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, क्योंकि कॉमन फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन बना करके कोई खास टफनेस क्वेश्चंस को नहीं दी जा सकती। सो व्हाट आर द यूनिक फीचर्स? द फर्स्ट यूनिक फीचर जो आप यहां देखेंगे वो है कि रेडियल सिमेट्री देखने को मिलना। रेडियल सिमेट्री जो कि प्रिमिटिव कैरेक्टर है ना, रेडियल सिमेट्री वैसे किसमें पाया जाता है? जो भी नॉन बायलिटेरियंस हैं, या आप कह दो कि आपने बात की निडारिया या टीनोफोरास की, उनके अंदर पाया जाता है रेडियल सिमेट्री, है ना। लेकिन ये एक हाईली इवॉल्व्ड ग्रुप है, उसके बावजूद उसमें रेडियल सिमेट्री दिखती है एट अ एडल्ट स्टेज। जो भी एडल्ट वाली स्टेज है, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, या फिर इसको मैं एक मिनट यहां से हटा देता हूं, राइट सो जैसे कि एडल्ट फॉर्म में ये जो आप सी अर्चिन का पूरा बॉडी देख रहे हो, इट लुक लाइक हैविंग अ रेडियल सिमेट्री। लेकिन अगर लार्वल फॉर्म पे देखा जाए तो इसके अंदर आपको बायलेटरल सिमेट्री जैसी अपीयरेंसेस आ सकती हैं कि हम इसको इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस वजह से इस ग्रुप को बायलेटेरियंस में रखा गया है। वैसे तो एडल्ट्स के अंदर कौन से प्रकार का सिमेट्री देखने को मिलता है? रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है, और ये यूनिक फीचर है, इस वजह से कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। Then the larval forms are present, and these larval forms they are generally we can see free living type, और जो इसके mature individuals होते हैं वो भी free living type के होते हैं। बाकी और भी कई सारी बातें कही जा सकती हैं, जैसे कि generally देखा गया है the members of these particular phylum, especially अगर हम starfish की बात करें, so they are the predators of some unique kind of habitat like eateries. Eateries में ये predators का काम करते हैं और वहां की कम्युनिटी या स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन करने का काम करते हैं। ये सारे इनके कॉमन फीचर्स। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम एक एक करके देखेंगे, अब थोड़ी सी बॉडी मॉर्फोलॉजी को लेकर के डिस्कशन हो जाए। स्टार शेप के होते हैं तभी तो उनको स्टार फिश कहा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप का पाया जाता है, इसका मतलब कंप्लीट माउथ एंड होगा जहां से फूड को एंगल्फ करेंगे, अपोजिट एंड विल बी द एनल एंड जहां से एक्सक्रीटरी फॉर्म में वेस्ट मटेरियल्स को रिलीज आउट करेंगे। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, एंड देन द वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट। तो स्केलेटन के तौर पर बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है, देयर इज अ वाटर वैस्कुलर सिस्टम व्हिच एक्चुअली प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर शेप, है ना, शेप में भी हेल्प करता है और भी कई सारे फंक्शंस हैं उस वाटर वैस्कुलर सिस्टम के। देन ट्यूब फीट, दैट मींस द स्ट्रक्चर जो कि अलग अलग तरीके के फंक्शंस में काम आएगा, लोकोमोशन में भी काम आएगा, फीडिंग में भी काम आएगा, खाना खाने में भी काम आएगा। ऐसे यूनिक प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें ट्यूब फीड कहा जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, दैट मींस लार्वल स्टेज देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं आपस में, क्या लिखा है भाई, चलो आ गया। तो जो भी फीचर्स हैं इस ग्रुप के मेंबर्स के अंदर, अब जरा उनको थोड़ा सा डिटेल में देखें। अगर हम बात करें काइनोडर्माटा वाले मेंबर्स की, इनको कैटेगराइज कर दिया है सब फाइलम के अंदर, दैट इज द क्रिनोजोआ, एस्टेरोजोआ एंड फाइनली द इकाइनोजोआ, ऐसे कुछ कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज कर दिया गया है। क्रिनोजोआ की बात अगर आप कर रहे हो तो इसके अंदर आ जाते हैं सी लिलीज एंड सी फेदर्स, ये यूनिक प्रकार के स्टारफिश। देन अगर हम बात कर रहे हैं एस्टेरोजोआ के अंदर एस्टेरॉइडिया और ऑफिलॉइडिया स्टारफिश एंड फाइनली ब्रिटल स्टार इसके अंदर आ जाते हैं। इकाइनोजोआ के अंदर अब और भी कई सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जिसमें होलो थायरॉइडिया है, इकाइनोइडिया है, और ये सारे जो मेंबर्स हैं सी क्यूकम्बर और सी अर्चिन, ये सारे इसके मेंबर्स हैं। और अब यहाँ से जो अगला पार्ट जरूरी है, गुड इवनिंग, यहाँ से जो अगला सेगमेंट जरूरी है वो है लार्वल फॉर्म्स, क्योंकि इस ग्रुप के मेंबर्स के अंदर कई तरह के लार्वल फॉर्म्स पाए जाते हैं। कौन कौन से लार्वल फॉर्म्स पाए जाते हैं? तो ईच एंड एवरी ग्रुप दे हैविंग सम यूनिक टाइप ऑफ लार्वल फॉर्म्स। चलिए कुछ रिलेशंस अगर इसमें मिलते हैं तो वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम एस्टेरॉइड्स की बात करें, एस्टेरॉइड्स के अंदर बिपिनारिया और ब्रैकियोलारिया, ऐसे दो अलग अलग लार्वल फॉर्म्स पाए जाते हैं। वहीं पर अगर आप ब्रिटल स्टार्स की बात कर रहे हैं, जिसका जो कि ऑफी
रॉयडीज से बिलोंग करता है, उसके अंदर पाए जाने वाले जो भी लार्वल फॉर्म्स हैं उसे ऑफ्टीक्लियोटिस के नाम से जाना जाता है। सी क्यूकम्बर के अंदर ऐसे ही आपको देखने को मिल जाएगा ऑरिकुलारिया, एंड देन सी अर्चिन के अंदर इकाइनोप्लेटस और सी लिलीज और बाकी सारे जो भी मेंबर्स हैं उनके अंदर डोलुलारिया, ऐसे कुछ यूनिक प्रकार के लार्वल फॉर्म्स पाए जाते हैं, राइट। तो अब ये याद रखने वाली बात, अगर ग्रुप्स याद हैं, उसके एग्जाम्पल याद हैं, तो उसी ग्रुप से रिलेटेड कुछ नाम आपको मैच करते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये जो इकाइनोडर्माटा का ग्रुप है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन क्यों बन सकते हैं ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कई सारे एक्सेप्शंस, कई सारी यूनिक प्रकार के फीचर्स और उसी के साथ साथ कई तरह के लार्वल फॉर्म्स, ठीक है। गुड इवनिंग अश्विनी, योग्यता, अच्छा योग्यता, फातिमा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ये आता है, हाँ जी आता है, फिर से लग गया, नहीं समझा क्या क्या बात हो रही है, चलो ठीक है आगे बढ़ता है। अगला ग्रुप, आपने जब आउटलाइन देखा तो उसके अंदर और एक चीज देखी, दैट इज आफ्टर द इकाइनोडर्माटा द नेक्स्ट ग्रुप इज हेमिकॉर्डेट्स, द ग्रुप विच इज नॉट कंप्लीटली कॉर्डेट, जिसको आप कह रहे हो हेमिकॉर्डेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेमिकॉर्डेट? हेमिकॉर्डेटा का मतलब है कॉर्डेट के सारे फीचर्स न शो करने वाला कोई ग्रुप, लेकिन उसके पहले पता होना चाहिए कि कॉर्डेट्स के फीचर्स क्या है, ड्यूट्रोस्टोम्स के क्या फीचर है ये पता है, बट वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स? तो अगर कॉर्डेट्स के फीचर पता है तो फिर आप हेमिकॉर्डेट्स क्या है अच्छे से समझ पाएंगे। तो कॉर्डेटा के मेंबर्स के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए, उसी के साथ साथ और भी कई सारे यूनिक फीचर्स हैं, जैसे पोस्ट एनल टेल, फेरेंजियल स्लिट पाया जाना, और भी कई सारी बातें है ना, एंडोस्टाइली और गिल्स एंड ऑल, बहुत कुछ। तो वो सारे फीचर्स में से यहां पर इस ग्रुप के मेंबर्स के अंदर बहुत ही कम ऐसे फीचर्स हैं जो कि कॉर्डेट वाले हैं, इसीलिए इस ग्रुप को हेमिकॉर्डेट कहा गया है। क्या पाया जाता है? नोडोकॉर्ड जैसा पोर्शन जो कि बॉडी के कुछ अगले हिस्सों के अंदर पाया जाएगा, जैसे कि फेरेंजियल गिल्स, यहां पर आपको बॉडी के अगले हिस्से में पाया जाता है। और सिर्फ गिल्स होना इज नॉट इनफ टू से दैट पर्टिकुलर ग्रुप और दैट पर्टिकुलर एनिमल एज अ कॉर्डेट, इसीलिए इस तरह के जो भी मेंबर्स हैं उनको क्या कह दिया गया है? हेमिकॉर्डेट्स। ओके, सो प्लीज नोट करें, अच्छा मैं लिखूं सारा, अच्छा ठीक है, आगे मैं सारे कॉर्डेट्स के फीचर बताने ही वाला हूं, लिखा हुआ है सब कुछ, तो मैं अभी यहां लिख करके क्या बदलेगा। दूसरी चीज, इसमें क्या पाया जाता है उन सारे फीचर्स में से? उन सारे फीचर्स में से यहां पर पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ गिल्स जैसे पोर्शंस, और ये भी एक ही फीचर हुआ, सारे फीचर्स नहीं हुए, इसीलिए इस ग्रुप को हमने क्या कह दिया है? हेमिकॉर्डेट्स, ठीक है। अच्छा नोट्स करें, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम क्यों बेटा? अभी हम कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं, पहले नोटोकॉर्ड होना चाहिए, फिर नोटोकॉर्ड आगे जाकर के वर्टिब्रल कॉलम में तब्दील होना चाहिए। लिंक बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट, हाँ जी कह सकते हो, एकदम सही बात है ये, कि इनको हम इंटरमीडिएट लिंक कहते हैं। कैसे? अभी कुछ बातें और भी पता चलेंगी। अब अगर आप देखें तो ये देखने को मिलता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि क्या है? कॉर्डेट्स वाले हैं। और ऐसे ही जो बगल का एक ग्रुप है, इसका इसका सिस्टर ग्रुप जिसको आप इकाइनोडर्माटा कहते हो, उसमें एक भी ऐसा फीचर नहीं है जो किसका हो? कॉर्डेट्स के अंदर देखा जाता हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी एक ग्रुप के अंदर कई सारे ऐसे फीचर्स हों और वही जस्ट उसके सिस्टर ग्रुप के अंदर उसमें से एक भी फीचर प्रेजेंट ना हो? ये थोड़ी सी अनयूजुअल सी बात लगती है। कॉर्डेट्स के अंदर आप देखेंगे 4, 5, 6, 7 हम कैरेक्टर्स लिखते हैं, राइट, जो कि उनका फीचर है। फिर हेमिकॉर्डेट्स में उसमें से कुछ फीचर्स पाए जाते हैं, और हम ये कहते हैं कि इकाइनोडर्माटा जो कि सिस्टर ग्रुप है किसका? हेमिकॉर्डेट्स का, उसमें एक भी फीचर ऐसा नहीं है जो कि उसे ये बताने में या इस बात को लिंक करने में हेल्प करे कि हेमिकॉर्डेट्स आर द क्लोजेस्ट एंसेस्टर ऑफ इकाइनोडर्माट्स आर द क्लोजेस्ट एंसेस्टर ऑफ हेमिकॉर्डेट्स एंड हेमिकॉर्डेट्स क्योंकि और इकाइनोडर्माटा दोनों ही एक ही एंसेस्टर लीनियज से इवॉल्व हुए हैं, जो कि यहाँ पर आपको मैंने डिस्कस भी किया था।
एक ही कॉमन एंसेस्टर लीनियज से इवॉल्व हुए हैं, उसके बावजूद इनमें देखने को मिलता है कि कोई भी कैरेक्टर कॉर्डेट का नहीं है, कोई भी सिंगल कैरेक्टर भी नहीं है। सो हाउ इट इज पॉसिबल, ये चीज कैसे पॉसिबल है, या इस चीज का अगर कोई जवाब देना हो तो क्या हो सकता है, व्हाट वुड बी द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना, इस क्वेश्चन का एक ठीक ठाक और सेटिस्फैक्टरी आंसर क्या हो सकता है, कोई बताएगा मुझे अगर किसी को ये बात समझ में आ रही है। मेलानोग्लॉसिस की हैबिटेट क्या होती है, ये कीचड़ के अंदर या मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं, छुप करके रहते हैं, हैबिटेट मराइन होंगे और जमीन या बेंथोस होते हैं, है ना, बेंथिक सरफेस पर पाए जाते हैं। प्लीज कोई बताएगा कि इस वीक में कितनी क्लासेस हुई है डाइवर्सिटी की, इस वीक में अंदाजन अपनी अगर देखी जाए तो 5 क्लासेस तो अभी तक हो ही गई है, 5वां चल ही रहा है, एवरी डे क्या 4 दिन होती है, ठीक है, मंडे नहीं हुआ था बेटा, ठीक है मंडे नहीं हुआ था। चलो क्वेश्चन का जवाब दो मेरे, कि इस बात को हम कैसे एक्सप्लेन करें कि कॉर्डेट्स के अंदर जो भी फीचर्स पाए जाते हैं उसमें से कुछ फीचर तो सिस्टर ग्रुप ऑफ एकाइनोडर्माटा में प्रेजेंट है, इसमें नहीं है, ऐसा कैसे हो गया जबकि ये दोनों ही कॉमन सिस्टर से डाइवर्ज्ड है। अगर ऐसा है तो फिर इसमें कोई भी फीचर क्यों नहीं है, इसका कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन हो तो बताइएगा ना, चार क्लासेस ही हुई क्योंकि मंडे नहीं हुआ था क्लास। चलो बता दो पहले इस क्वेश्चन का जवाब, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आप ही ने कहा था ना कि सर आज आराम से पढ़ाओ, तो मैं आज आराम से पढ़ा रहा हूं, हर एक छोटी छोटी बात को आपके सामने रख रहा हूं। ये 5 लेक्चर अवेलेबल हैं क्या? जी बेटा सारे अवेलेबल हैं, अभी भी यूट्यूब के इस चैनल के ऊपर आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे इस वीक वाले। रिपीट करना क्वेश्चन, फिर से बोलूं? चलो, कॉर्डेट्स के अंदर कई प्रकार के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, मतलब 5-6 कैरेक्टर तो हैं जो कॉर्डेटा के यूनिक फीचर्स, उसमें से एक फीचर इसमें देखा गया है या कुछ फीचर्स हेमी कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं, लेकिन एक भी फीचर इकाइनोडर्माटा में नहीं पाया जाता, जबकि ये करीबी मेंबर्स हैं, बहुत ही कोई ना कोई कॉमन रिसेंट कॉमन सिस्टर से ये ग्रुप बने हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है या क्या ज्यादा अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन है, बताइए जल्दी। क्वेश्चंस में यही सब कुछ आता है, आपको सिर्फ आउटलाइन नहीं डिस्कस करनी है, आपको हर एक फाइलम को डिटेल में रटना नहीं है, आपको हर एक एनिमल की कंप्लीट मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पढ़नी नहीं है, कुछ ऐसी बातें हैं जो जरूरी हैं। पेड कोर्स में भी नहीं दे रखा है ये ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, क्लास नोट्स प्रिंटेबल फॉर्म में नहीं बेटा, ये नहीं होता, आप सिर्फ डाउनलोड कर सकते हो, ऐप में ही रहेगा, बाहर लेकर के आप उसको प्रिंट नहीं कर सकते, थोड़ी सी अपनी एफर्ट भी तो लगानी है, लिखना भी तो है ना, नहीं पता, अच्छा बढ़िया, तो यही जवाब पहले दे देते हैं। इकाइनोडर्माटा आउट ग्रुप है कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आउट ग्रुप में भी तो कुछ ना कुछ ऐसे एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स होने चाहिए, मतलब ठीक है एकाक तो फीचर ऐसा शो कर दे जो कि हायर मेंबर्स में दिख रहा है, क्योंकि अगर ये कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर से है तो कुछ तो होना चाहिए ना इसके अंदर जो इनको कनेक्ट करे। आई थिंक द लार्वल स्टेज एंड एडल्ट स्टेज इज डिफरेंट। वैष्णवी बेटा शायद आप सेशन में देरी से जुड़े हैं, उसके ऊपर बात हो गई अपनी, एम्ब्रियोलॉजिकल सिमिलैरिटी होती है ना, ऐसा कुछ नहीं, टाइम लगता है बहुत ज्यादा सर लिखने में, लेकिन बेटा अगर सीखना है ना तो अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स ही सबसे बेस्ट होते हैं, सीखने के लिए वही सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। हाँ जी एक्सेप्शन होंगे, चलो सुनो मेरी बात, एक बड़ी सिंपल सी लाइन कह दी जाती है, आपने सुन रखा होगा कि कई सारे मेंबर्स क्या करते हैं, कुछ फीचर्स या तो जो एंसेस्ट्रल थे वो अक्वायर करके रखते हैं, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी सम इंडिविजुअल दे लॉस देयर एंसेस्ट्रल फीचर्स, है ना, तो ऐसा कहा जाता है मे बी जो भी फीचर्स रहे होंगे इकाइनोडर्माटा के अंदर जो इसे लिंक करते हैं कॉर्डेट्स के करीबी बनाते हैं,
वो फीचर्स शायद इसने क्या कर दिया होगा, लॉस्ट कर दिया होगा। ये लाइन लिखी जाती है एज एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। सो व्हाई दैट इकाइनोडर्मेट्स दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फीचर्स विच रिलेट दैट इकाइनोडर्मेटा विद अ अदर ग्रुप ऑफ कॉर्डेट्स, इट इज सिंपली दे मे हैव लॉस्ट देयर दोज फीचर्स जो कि इन्हें कनेक्ट करना चाहिए। बायलेटरल सिमेट्री इन एडल्ट्स कह सकते हो, ठीक है, बढ़िया। बाकी सारी बातें अपनी हो चुकी हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका एग्जाम्पल ध्यान रख लीजिएगा, ब्लैनोग्लॉसिस और टॉर्नारिया इज अ लार्वल फॉर्म जो कि हेमिकॉर्डेट्स में मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट ग्रुप जो कि डिस्कस हो रहा है दैट इज नथिंग बट अ कॉर्डेट्स। और जैसे मैंने कहा कि कॉर्डेट्स के कुछ अपने फीचर्स हैं, क्या फीचर्स हैं? सबसे पहला फीचर, नोटोकॉर्ड होना चाहिए। ये एक होलो ट्यूब है जो कि थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद डोर्सल नर्व कॉर्ड पाया जाएगा जो कि इसी नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है और हेड से लेकर के टेल तक के पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। फारिंजियल पाउच या स्लिट्स पाए जाते हैं, ठीक है, एम्ब्रियोनल स्टेज पे भी दिख जाएंगे और हो सकता है कुछ मेंबर्स में एडल्ट फेज में भी दिख जाए। एंडोस्टाइल या फिर थायराइड जैसे पोर्शंस दिख जाएंगे, एक्स्ट्रा पोर्शंस हैं जो कि सिक्रीटरी होते हैं, कह सकते हो कि फेरेंजियल स्लिट के जस्ट नीचे पाए जाते हैं। देन द फाइनली इज अ पोस्ट एनल टेल। ये सारे फीचर्स किसके? कॉर्डेट्स के। जो भी कॉर्डेट होंगे उनके अंदर ये फीचर बाय डिफॉल्ट होगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, क्लियर नहीं है, अच्छा, विटामिन प्रोटीन इकाइनोडर्मेटा का लार्वा और हेमिकॉर्डेटा के लार्वा अप्रोक्सीमेट सेम होते हैं, सो ड्यूरिंग डेवलपमेंट सम कैरेक्टर्स इज लॉस्ट, ठीक, सही बात। और मैंने कुछ और एक बात कही थी कि दोनों को एम्ब्यूलेग्रारियंस में से रखा गया है क्योंकि दोनों के अंदर सिमिलर तरह के लार्वल फॉर्म्स पाए जाते हैं, दैट इज नथिंग बट अ सीलिएटेड टाइप ऑफ लार्वल फॉर्म्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि कॉर्डेट्स के अंदर जो भी सारे फीचर्स हैं ये सारे फीचर्स आपको वर्टिब्रेट्स में भी देखने को मिल जाएंगे एक्सेप्ट वन फीचर, कि जो नोटोकॉर्ड है दैट नोटोकॉर्ड विल बी गेट रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और इसीलिए जब आप कॉर्डेट्स की बात करते हो तो बाय डिफॉल्ट आप वर्टिब्रेट्स की बात भी कर रहे हो, बिकॉज ऑल वर्टिब्रेट्स आर अ कॉर्डेट्स, बट आप ये नहीं कह सकते कि ऑल कॉर्डेट्स आर द वर्टिब्रेट्स, ठीक है। ये सारी बातें हैं जो कि जनरली ध्यान रखनी होती है जब आप आउटलाइन डिस्कस कर रहे हो। तो ध्यान रखिएगा कि कॉर्डेटा के अंदर के जो भी फीचर्स हैं ये सारे के सारे फीचर्स आपको वर्टिब्रेट्स में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वर्टिब्रेट्स के अंदर पाए जाने वाले सारे फीचर, मतलब अगर इस वाले फीचर को अगर आप छोड़ दो नोटोकॉर्ड वाले को, क्योंकि यहां पर नोटोकॉर्ड है और वहां पर वर्टिब्रल कॉलम होगा, यही मेजर डिफरेंस है, रेस्ट ऑफ द फीचर्स विल रिमेन सेम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक एक करके जो भी फीचर है वो यहां मैंने दे रखा है, एक बार चेक करिएगा। दिस इज अबाउट द नोटोकॉर्ड, ये डोर्सल होलो ट्यूब होता है जो कि डोर्सल साइड पर प्रेजेंट है और ये हेड से टेल तक के पूरे पोर्शन में फैला हुआ हो सकता है। इसी के जस्ट ऊपर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है जो कि कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। दिस इज व्हाट द नर्व कॉर्ड, एंटीरियर एंड पर आकर के बल्जिंग हो गई है, कॉन्सेंट्रेट हो गई है और पूरी बॉडी में इस प्रकार से फैली हुई है। जब वर्टिब्रीज बनते हैं या वर्टिब्रल कॉलम बनता है, सो दे बोथ ज्वाइंट टुगेदर, एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट हो जाते हैं और जो वर्टिब्रीज हैं उसके अंदर अंदर फिर ये न्यूरल ट्यूब्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो आपने शब्द डेवलपमेंट पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा कि कैसे एक्टोडर्म्स के इनवर्ड फोल्डिंग की वजह से जो नर्व कॉर्ड है ये फॉर्म होना शुरू होता है। तो ये सारी बातें वर्टिब्रेट्स का फीचर है। फाइनली नेक्स्ट, फेरिंजियल स्लिट्स पाया जाना जो कि कहीं ना कहीं गैसलेस एक्सचेंज में काम करेगा, राइट। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज एंडोस्टाइली, जो जस्ट उसी के नीचे प्रेजेंट एक मेम्ब्रेनस पोर्शन है। एंड फाइनली पोस्ट एनल टेल जो कि मस्कुलर होता है, जिसकी मदद से द मेंबर्स दे कैन प्रोपेल देयर सेल्फ, उनकी बॉडी को आगे की तरफ पुश करने के लिए काम आता है जब एक्वेटिक वाटर बॉडी में ये मूव करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ। तो ये फीचर्स ध्यान रखिएगा, हर फीचर का
अपना अपना कुछ एक पोजीशन है, उसके कुछ रोल्स हैं, ये सब चीजें ध्यान रहेंगी। क्या कह रहे हैं संदीप जी, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। अच्छा, यही तो मैंने कहा था, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, सही बात। इसलिए कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा आर टू सेपरेट फाइलम्स, दोनों फाइलम्स थोड़ी है, वर्टिब्रेटा इज नॉट फाइलम। चलो देखो इधर पे, सो कॉर्डेट फाइलम के अंदर दो कैटेगरीज हैं, अक्रैनियाटा और क्रैनियाटा, ठीक। और अक्रैनियाटा जिसको हम प्रोटोकॉर्डेटा भी कह देते हैं, इसके अंदर दो सब फाइलम्स हैं, एंड दीज टू सब फाइलम्स आर यूरोकॉर्डेटा और सेफालोकॉर्डेटा। अब आप कॉर्डेट्स के अंदर आ चुके हैं और कॉर्डेट्स के अंदर पाए जाने वाले सब फाइलम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और फिर इसी क्रैनियाटा के अंदर जो सब फाइलम है वो है वर्टिब्रेटा, ठीक। सो वर्टिब्रेटा इज अ सब फाइलम एंड कॉर्डेटा इज अ फाइलम, सो इसके अंडर आता है ये, ठीक है, ध्यान रहेगा। क्वालिटी इंक्रीज कीजिए, अच्छा आप लोग आपस में बातें कर रहे हो, ठीक। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे अक्रैनियाटा, मतलब यहाँ पर हेड जैसा कोई बहुत डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, क्रैनियल स्पेस जैसा कोई स्पेशल पोर्शन नहीं है, इनको हमने प्रोटोकॉर्डेट्स कह दिया, दैट मींस दे आर द प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। दे आर कॉर्डेट्स बट दे आर हैविंग अ वैरायटी ऑफ फीचर्स व्हिच इज अ प्रिमिटिव फीचर्स। देन सेफालोकॉर्डेट्स की बात होगी, सेफालो टर्म का मतलब यही होता है कि अब इनके पास सिर भी होगा, सिर के साथ साथ ये कॉर्डेट के फीचर भी शो करेंगे, राइट, दैट्स व्हाई सेफालोकॉर्डेट्स। तो फर्स्ट हेड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बियरिंग कॉर्डेट्स, दैट इज सेफालोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स का मतलब है कि इनमें जो कॉर्डेट मतलब नोटोकॉर्ड पाया जाता है वो टेल वाले हिस्से में पाया जाता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ यूरो। तो ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं, उनका अपना अपना मीनिंग है, और उस हिसाब से आप जब एक्सप्लोर करोगे ना उनको, तो पता चलेगा कि हाँ इसमें ये फीचर प्रेजेंट है। क्या कह रहे हैं अग्नथा स्टोमा, ग्नाथोस्टोमा, बेटा वो तो वर्टिब्रेट्स में आएगा, वो इधर आएगा, ग्नाथोस्टोमेटा वो सब चीजें। आरिफा ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हाँ, टेल के अंदर ही ज्यादातर हिस्सा पाया जाएगा। सबसे पहला यूरोकॉर्डेटा, वही अभी हम बात करेंगे। तो यूरो का मतलब ही एक्चुअली हम वही लेते हैं कि दैट इज नथिंग बट टेल कॉर्डेट्स, मतलब इनकी बॉडी के अंदर जो नोटोकॉर्ड होगा वो सिर के पीछे से शुरू होकर टेल तक जाएगा, पूरी बॉडी में नहीं होगा, यही खास बात है इनकी। सो ट्यूनिकेट्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस ग्रुप, बाकी बहुत सारे फीचर्स यहाँ लिख रखे हैं, वही सारे फीचर्स जो मैं आपको बोल करके बता रहा हूँ, ठीक है। सो ट्यूनिकेट्स आर ऑल्सो कॉमनली नोन एज, यस मैंने बता दिया, इनको एसिडियंस के नाम से भी जानते हैं या सी स्कर्ट भी कह देते हैं, सी स्कर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब इन्हीं ट्यूनिकेट्स के अंदर आपने कह दिया कि नोटोकॉर्ड की एग्जैक्ट पोजिशन क्या होती है, तो हमने कह दिया सिर के पीछे से, जो भी सिर जैसा अपीयरेंस होगा उसके पीछे से प्रेजेंट होकर के पूरी बॉडी टेल तक ये एक्सटेंडेड होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूरोकॉर्डेट्स, टेल कॉर्ड, ठीक है। यूरोकॉर्डेट और ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेट्स पढ़ लिया हमने। बॉडी इज इनक्लोज्ड सैक लाइक पोर्शन होगा, मतलब पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर ना एक थिन मेम्ब्रेनस कोटिंग होगी, ऐसा लगेगा कि स्केलेटल सब्सटेंस के ऊपर कुछ आपने थिन मेम्ब्रेनस कोट पहना दिया है, ऐसा कुछ अपीयरेंस निकल करके आएगा अगर आप किसी रिप्रेजेंटेटिव को देखते हो तो इस प्रकार का, दैट्स व्हाई कॉल्ड सी स्कर्ट, ठीक। अब वही सारी बातें जो मैंने बताई थी, ब्लू वाला जो है ये क्या है, ये है जो नर्व कॉर्ड है, वो नर्व कॉर्ड तो हेड से लेकर के टेल तक फैला हुआ है, लेकिन जो कॉर्डेट वाला या नोटोकॉर्ड वाला पार्ट है वो हेड के पीछे से लेकर के फिर ये जो हिस्सा है ये पूरा टेल को रिप्रेजेंट करता है, और ज्यादा पोर्शन नोटोकॉर्ड का टेल में है, इसीलिए इसको टेल कॉर्ड कह दिया गया है या फिर यूरोकॉर्डेटा कह दिया जाता है, ठीक है। सेफालो आउटर स्केलेटन एब्सेंट, अच्छा ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, अब लार्वल फॉर्म के दौरान इसमें जो नोटोकॉर्ड है वो तो दिखेगा, लेकिन जैसे ही एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होंगे इनमें ये जो नोटोकॉर्ड है वो गायब हो जाएगा, ठीक। ये भी एक यूनिक फीचर है जो यूरोकॉर्डेट्स के अंदर देखने को मिलता है। सो एट अ लार्वल स्टेज दे मे शो अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट नोटोकॉर्ड, बट वंस दे टर्न इनटू एडल्ट जो भी नोटोकॉर्ड है वो गायब, राइट।
अब यहां पर अगर इसको देखेंगे एडल्ट वाले फॉर्म में तो शायद आपको नहीं लगेगा कि ये कॉर्डेटा का मेंबर है। ओके, तो ये सारे यूनिक फीचर्स हैं, बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी आपने पढ़े कॉर्डेट्स के वो सारे इसमें पाए जाते हैं। बट ओनली वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द लार्वल फॉर्म विल शो यू अ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, एडल्ट फॉर्म विल लैक दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन उसी का दे रखा है। अगर आप हार्डमानिया की बात कर रहे हो, हार्डमानिया वाले मेंबर्स की, तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं, क्या उनका तरीका है, ये सब कुछ। जैसे कि फिल्टर फीडर्स हैं। फिल्टर फीडर्स का मतलब एक तरफ से पानी को अंदर लिया जाएगा, इन करंट साइफन ट्यूब है जिसमें पानी अंदर की तरफ आता है और फिर इस पूरे के पूरे फिल्टरिंग पोर्शन से पास होता हुआ पानी दूसरे ओपनिंग से बाहर निकल जाएगा, दैट इज एक्स करंट साइफन। और इस प्रकार से जो भी पानी के अंदर ये चीजें मिलेंगी, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन एंड स्मॉल माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स, उसको फिल्टर करेंगे और उसके बेसिस पर अपना पेट भरेंगे। सो दे आर कॉल्ड फिल्टर फीडर्स। ठीक है, दो ओपनिंग्स प्रेजेंट है, बात कर ली हमने, फूड सोर्स प्लैंक्टन होते हैं, पढ़ लिया हमने, कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि दो ओपनिंग्स हैं, एक तरफ से फूड को एंगल्फ करना, दूसरी तरफ से वेस्ट को बाहर थ्रो करना। ठीक, बाकी सारे फीचर्स प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, दे रखा है। तो ये कुछ बातें ध्यान रखें। बाकी एक यूनिक फीचर और इस ग्रुप का है, दैट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या है? तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का यही मतलब है कि जनरली होना ये चाहिए कि जब बड़े हों, एडल्ट वाली एज में आए, तो होना ये चाहिए कि उस समय पर वो कॉम्प्लेक्स फीचर शो करे। लेकिन यहाँ पर लार्वल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फीचर प्रेजेंट है, जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो वो उस एडवांस कैरेक्टर को लॉस कर देते हैं। तो एडल्ट होने के बाद प्रिमिटिवनेस या प्रिमिटिव फीचर शो करने लगना इज व्हाट रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव का मतलब यही हुआ कि जैसे जैसे कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा हो रहा है, एडल्ट वाली फॉर्म में जा रहा है, वो कैसे फीचर शो कर रहा है? अपने प्रिमिटिव वाले। ठीक है, तो ये हार्डमानिया के अंदर देखने को मिल जाता है। जी हाँ, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। ये सारी बातें ध्यान रखना। एंडोस्टाइली हमने कह दिया, इट इज अ काइंड ऑफ मेम्ब्रेनस पोर्शन जो कि कुछ सिक्रीशंस रिलीज आउट करता है, जो कि जस्ट किसके नीचे होगा, ये जो फिल्टर प्रेजेंट है, फारिंजियल स्लिट वाला पाउच प्रेजेंट है, उसी के जस्ट नीचे। ठीक है, ये कहां से आ गया, इसके बारे में हमें कोई बात नहीं करनी है और सीधे बढ़ते हैं आगे। लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट बट एडल्ट में गायब, ये तो मैंने बता दिया है। चलो बढ़िया। ओके, तो 100 नहीं हुए यहां, तो स्पीड धीरे धीरे मेरी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो हम जल्दी जल्दी आज ही सब खत्म कर लेंगे। ओके, तैयार हैं सर लोग, रेडी हैं? तैयार सारे लोग, बताइए फटाफट, स्पीड बढ़े, आज के आज ही हो जाए फिर सब। क्योंकि इससे एक बात क्लियर होती है ना, रेडी फॉर स्पीड अप। अच्छा, लास्ट क्लास के लिए तैयार नहीं है लेकिन तेजी बढ़ा सकता है। चलो ठीक है, चलो 72 पर अटक गए हो आप लोग, कल भी यही हाल था। ठीक है, चलो। सो अब सिफेलो कोऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ चुके हो आप लोग। सिफेलो का मतलब मैं बता चुका हूं कि भाई दोनों फीचर है, हेड जैसा अपीयरेंस भी है, दैट इज अ मेनली पार्ट ऑफ सिफेलो, एंड देन कोऑर्डेटा मतलब कोऑर्डेटा का फीचर्स भी है। तो ऐसे कोऑर्डिनेट जिनमें हेड लाइक इंटीरियर एंड देखने को मिले, ऐसा कुछ। ओके, तो जी हाँ, अब आप बात कर रहे हो लैंसलेट्स के बारे में, अब आप बात कर रहे हो एम्फियोक्सिस के बारे में, और जिसके अंदर आपको वो सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए, सो दिस इज, आई होप दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा कलर एडजस्ट कर लिया जाए। ओके, अब ठीक। नहीं सर, हमने तो शेयर किया था। कोई नहीं आ रहा है, नहीं किसी गलती नहीं है,
थोड़ी और कोशिश हो सकती है। चलो ध्यान से देखना अभी, तो सेफेलो कॉर्डेट्स की बात करो तो ये सारी बातें ध्यान रखना, क्या क्या फीचर होगा। कॉर्डेट वाले सारे फीचर होंगे और एक एडिशनल फीचर हमने कह दिया कि एंटीरियर हेड लाइक पोर्शन होगा। इस हेड लाइक पोर्शन के अंदर कुछ माउथ लाइक पोर्शन भी है, ये देखो राइट, यहाँ से ये अपने फूड को एंगल्फ करेंगे एंड देन बाकी का सारा प्रोसेस आगे दे रखा है, फेरिंजियल स्लिट हो गया एंड ऑल, सब कुछ सारे फीचर कॉर्डेट वाले प्रेजेंट है। अब जो खास बात है इनकी लाइफस्टाइल को लेकर के, वो क्या है, दे रखा है जैसे कि ये सब कुछ बता दिया हमने, एक्सटेंडेड होगा पूरी लाइफ, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा राइट। एब्सेंस होने वाला जो फीचर है वो तो आपको कहां पर मिल गया, यूरोकॉर्डेटा के अंदर। अब बढ़ते हैं आगे, फेरिंजियल स्लिट प्रेजेंट है जिसका इस्तेमाल वो फूड पार्टिकल्स को स्ट्रेन करने के लिए करेंगे, वो सारी बातें भी अपनी हो चुकी हैं। इंडोस्टाइली ऑर्गन फॉर फिल्टर फीडिंग, जी हाँ, जो उसी के नीचे प्रेजेंट है। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है, नो ट्रू वर्टिब्रीज प्रेजेंट। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी भी आप कॉर्डेट्स की ही बात कर रहे हो, वर्टिब्रेटा की तरफ अभी नहीं पहुंचे हो। लैंडस्लेट्स ऑल्सो नोन एज एम्फियोक्सिस, ये सारी बातें हो चुकी हैं। लाइफ में ज्यादातर वक्त ये जमीन के नीचे मिट्टी में अपनी बॉडी को दबाए रखते हैं, जब कभी प्रे इनको दिख जाता है तो उनको डरा करके पकड़ लेना और पेट भर लेना, ऐसा इनका लाइफस्टाइल है। अब अगला ग्रुप आ गया क्रैनियटा के अंदर, सब फाइलम वर्टिब्रेटा है ना। वर्टिब्रेटा दैट मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मेंबर्स जिनके अंदर क्या देखने को मिले, वर्टिब्रल कॉलम इंस्टेड ऑफ नोटोकॉर्ड। सो नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड विद द वर्टिब्रल कॉलम, ऐसे वाले फीचर्स अब आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स कोर्स के ले रहे हैं इसलिए स्टूडेंट ज्यादा नहीं है, अच्छा ठीक है, ये अच्छा आंसर था तो इसलिए मुझे ठीक लग रहा है। ये ठीक ठाक जवाब था। ओके, अब शायद ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है चलो। सो जैसा कि पहला फीचर अपना डिस्कस हो चुका है कि क्या देखने को मिलेगा, वर्टिब्रल कॉलम, जी हाँ वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। डिस्टिंक्ट हेड लाइक पोर्शन, मैंने कहा था सेफेलाइजेशन भी एक यूनिक फीचर है जो कि हायर मेंबर्स में क्लियर कट दिखाई देता है राइट। और इसके पहले भी हेड लाइक अपीयरेंसेस कई सारे फाइलम्स में दिखे, बट द एक्चुअल हेड और वी कैन से द हेड व्हिच इज इवॉल्वड इनटू वन ऑफ द ग्रुप एंड उसके बाद के सारे मेंबर्स में पाया जाएगा लगातार, वो यहां से देखने को मिलेगा। सो हेड इज प्रेजेंट, देन नर्व कॉर्ड मेड ऑफ नर्व क्रस्ट, ये सारी बातें अपनी पहले भी हो चुकी है ना, किस प्रकार से न्यूरल पोर्शन जो है बनते हैं डेवलपमेंट के टाइम पर, ये सारी बातें हो चुकी है। इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एंडोस्केलेटन पाया जाता है, प्रेजेंस ऑफ मेनी हॉक जीन्स, ये तो अपनी कभी से बात चल रही है कि जैसे जैसे आप हायर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स की बात करोगे उनके अंदर हॉक जीन्स ज्यादा पाए जाएंगे, होम्योटिक जीन्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स ध्यान रखें, यहाँ पर दे रखा है एग्जैक्टली क्या अरेंजमेंट होती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्टिब्रेट्स। तो अब जो न्यूरल ट्यूब है वो अंदर प्रेजेंट है वर्टिब्रीज के, ठीक। नाउ नेक्स्ट, यह है कंप्लीट आउटलाइन इसका, वर्टिब्रेट्स का, ये सारी चीजें मैं ठीक करके लेकर के आता हूं, यहां के फिर गड़बड़ हो जाता है, दिख रहा है प्रॉपर, चेक करो। क्लियर नहीं है, और डार्क करेंगे तो खराब हो जाएगा, यही ठीक है। तो मैं पढ़ करके बता दे रहा हूं, ठीक है, कुछ चीजें जैसे कि अब आप बात करो सारे वर्टिब्रेट्स की, तो शुरुआत होगी कुछ फिशेस से जिनको हम प्रिमिटिव फिशेस कहते हैं, आउट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स कह देते हैं, जिनके अंदर अगेन सर्टन फीचर्स आर मिसिंग। जैसे कि अगर आप हैज फिश की बात कर रहे हो, लैम प्रेज की बात कर रहे हो, तो ये कुछ ऐसे मेंबर्स मिल जाएंगे जिनके अंदर आपको कुछ यूनिक फीचर्स वर्टिब्रेट्स के नहीं, जैसे कि हैज फिश के अंदर आपको नोटोकॉर्ड ही मिलेगा, जबकि आप इसको पढ़ किस में रहे हो, वर्टिब्रेट्स के अंदर। सो दे आर द जॉलिश फिशेस, बट जॉलिश के साथ साथ हैज फिश के अंदर आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा इंस्टेड ऑफ वर्टिब्री। वर्टिब्रीज
यहां से शुरू हो जाते हैं इसके बाद से, जैसे कि लैम्प्रे में, कॉन्टिस्थाइस में, फिर रे फिन्स में, फिर किलोकैल्थ के अंदर, फिर लंग फिश और फिर एम्फीबियंस, एंड इस प्रकार से सब चीजें रहेंगी। ठीक है, तो ये सब चीजें अब एक एक करके पढ़नी है, आगे ये सब और क्लियर तरीके से दिखाई देगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में, द ग्रुप व्हिच इज कॉल्ड अग्नथा। अब ये क्या है, तो अगेन आप उस प्रिमिटिव ग्रुप की बात कर रहे हो वर्टिब्रेट्स के, जिनको हम एक बार आउट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेटा भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टिल वन ऑफ द कैरेक्टर इज नॉट देयर, दैट इज नथिंग बट अ वर्टिब्री। बाकी सारे फीचर वर्टिब्री के, वर्टिब्रेट्स के दिख जाएंगे, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट है। ठीक, क्या कहते हैं इनको, जॉलेस फिशेस। एग्जाम्पल लैम्प्रे हैज फिश, और हमने कह दिया कि हैज फिश के अंदर क्या नहीं पाया जाता, वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता। ठीक, एबसेंस ऑफ जॉ मतलब जॉलेस फिशेस, एबसेंस ऑफ पेयर्ड फिन्स, ये सारे प्रिमिटिव मेंबर्स के फीचर्स हैं। जो भी फिन्स हैं वो पेयर्ड नहीं होंगे, ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन बोथ लार्वल एज वेल एज एडल्ट फॉर्म, तो ये वाली बात है, याद रखिए आप वर्टिब्रेटा की बात कर रहे हो, बट फिर भी कुछ फीचर्स ऐसे हैं इनमें जो कि किसके हैं, प्रिमिटिव वाले हैं। ठीक, कार्टिलेजिनस स्केलेटन और टू चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, अगर आप सारे फिशेस की बात करो या पाइसेस की बात करो और उनके एंसेस्ट्रल ग्रुप्स की बात कर रहे। ठीक है, प्लीज एडजस्ट नॉट विजिबल, आगे मैं उस तरह का एक दूसरा फोटोग्राफ दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, नाउ अब सीधे उस ग्रुप की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं जिस ग्रुप से टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स का एवोल्यूशन हुआ, क्योंकि ये जरूरी सेगमेंट है, न कि जो प्रिमिटिव फिशेस वाला ग्रुप है, अग्नता वाला ग्रुप है, उसके बारे में बात करना। सो दैट पर्टिकुलर ग्रुप जिसने इवॉल्व कराया किसको, लैंड एनिमल्स को, अब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज नथिंग बट अ बोनी फिशेस। बोनी फिशेस मतलब ग्नाथोस्टोमेटा, ग्नाथोस्टोमेटा या ग्नाथोस्टोमा ऐसा कह दिया जाता है। ठीक, दे आर द जॉड फिशेस मतलब जॉ बियरिंग फिशेस, इनके अंदर वो सारे यूनिक फीचर्स मिलेंगे, जॉज मिल जाएंगे, पेयर्ड फिन्स मिल जाएंगे, और अब चीजें जो है थोड़ी सी ज्यादा जरूरी वाली आ गई। तो एक फीचर जो कि आपको एंसेस्ट्रल ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स में ध्यान रखनी वो ये है कि नोटोकॉर्ड वहां पर प्रेजेंट है। बाकी सारे फीचर्स क्या थे ये हमने देख रखे हैं कि अनपेयर्ड या अनपेयर्ड टाइप ऑफ फिन्स देखने को मिलेंगे। बट अब इसके बाद के सारे मेंबर्स जिनको हम क्या कह रहे हैं, ग्नाथोस्टोमेटा, इनके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, नाउ द टू ग्रुप्स जिसके बारे में बात कर रही है, सबसे पहला कॉन्ड्रिस्थाइस और स्टिस्थाइस। कॉन्ड्रिस्थाइस का मतलब ये हुआ कि कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेज कंटेनिंग फिशेस, ऐसे फिशेस जिनके अंदर जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ है। और ऑस्टिस्थाइस का मतलब आप बात करें बोनी फिशेस के बारे में। ठीक, अब अगर कभी सीक्वेंस पूछा ही जाए कि कौन सी सीक्वेंस है इन फिशेस के अंदर, तो सबसे प्रिमिटिव ग्रुप में आ जाएंगे कौन से, अग्नथा वाले, या फिर हम कहते हैं हैज फिशेस और लैम्प्रेस। ठीक, क्या फीचर है बता चुके हैं, उसके बाद फिर कार्टिलेजिनस फिशेस जिसको आप कह रहे हो कॉन्ड्रिस्थाइस, राइट, इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स, अगर रिलेट करना हो तो यहीं पर बता सकता हूं। वैसे यहां देखने को मिलेगा जो भी गिल्स हैं, गिल स्लिट्स हैं, ये दिखाई देते हैं बाहर से, कंपेयर आप देख सकते हो, विजिबल होते हैं। बट वहीं पर ऑस्टिस्थाइस के अंदर आपको देखने को मिलेगा द गिल्स आर कवर्ड विद सम स्ट्रक्चर्स, ऑपरकुलम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स जो इसको कवर करके रखते हैं। तो यहां पर गिल्स एक्सपोज्ड नहीं होते, यहां पर गिल्स एक्सपोज्ड होते हैं। जो पेयर्ड फिन्स हैं, स्पेशली काउडल फिन्स, काउडल फिन्स मतलब ये वाले, इनमें क्या देखने को मिलेगा, दे आर नॉट इक्वल, अनइक्वल है, इस केस में इक्वल दिखाई देंगे। ऐसे कुछ बेसिक फीचर्स हैं जिनके बेसिस पर आप इन दोनों ग्रुप्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगेन अपना जो काम का ग्रुप है वो है ये वाला, एक तो ये, दूसरा ये। क्यों? क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं हाउ द लाइफ इज इवॉल्व फ्रॉम वाटर टूवर्ड्स लैंड, तो फिर आप ऑस्टिस्थाइस के अंदर या बोनी फिशेस के अंदर डिप्नोइज और किलोकैंस के बारे में बात करेंगे। यही है एंसेस्ट्रल लीनिएजेस, या हम कह सकते हैं कि यही है वो सारे मेंबर्स जिनके एंसेस्टर्स शायद इनके एंसेस्टर भी रहे होंगे, ऐसा हम मानते हैं। सो द एंसेस्टर ऑफ दीज ग्रुप्स लाइक द लीनिएज का ये वाला एंसेस्टर,
और इस लीनियज का ये वाला एंसेस्टर, हम ऐसा मानते हैं कि यही एंसेस्टर्स या यही लीनियज किसके एंसेस्टर भी रहे होंगे, लैंड एनिमल्स के, ठीक है। तो ये जरूरी बात है, इसके आगे का सारा सीक्वेंस बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से देखना है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द आउटलाइन ऑफ एनिमल एवोल्यूशन। बाकी तो बहुत सारी बातें करने के लिए। तो सीक्वेंस क्या है, क्या ध्यान रखना है, फिर से एक बार रिपीट करें फटाफट। लैम्प्रेज एंड हैज फिश को पॉन्ड में कल्चर किया जाता है क्या? अब ऐसा नहीं है कि ये सारे मेंबर्स फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाएंगे, कल्चर किया जाता है ये वाली बात तो मैंने नहीं सुनी। बाकी ये फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, मरीन वाटर में भी पाए जा सकते हैं। प्लीज एडजस्ट नॉट विजिबल, ये मैं पढ़ चुका हूं शायद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे प्रिमिटिव फीचर ध्यान रखना, इंटरमीडिएट कॉन्जिस्टाइस के फीचर्स ध्यान रखना, और फिर ऑस्टिस्थाइस में दो ग्रुप ध्यान रखना, क्योंकि यहीं से आगे का कनेक्शन मिलेगा। टोटोकॉर्डेट आर इंक्लूडेड इन अ सेपरेट क्लास और इनकॉर्डेट, प्रोटोकॉर्डेट्स आर कंसिडर्ड, ये तो कॉर्डेटा के अंदर ही पढ़ रहा ना बेटा, हमने पढ़ा फाइलम कॉर्डेटा, उसके अंदर फिर दो ग्रुप अक्रैनियाटा क्रैनियाटा, अक्रैनियाटा के अंदर दो ग्रुप पढ़े, कौन से, यूरोकॉर्डेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स, उन्हीं को हमने क्या कहा, प्रोटोकॉर्डेट्स, ये तो कहा ना हमने, ठीक है, द प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। ठीक है, बहुत सारा डेटा होने की वजह से सब फिर यहां का वहां जंप होता है, मुझे पता है। चलो शुरू करते हैं। तो जो जो फीचर मैंने बोला था कि डिस्कस करेंगे कॉन्ड्रोसाइट्स के बीच में और ऑस्टिसाइट्स के बीच में दे रखा है, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स कौन से, कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस, क्या देखने को मिलेगा, गिल्स एक्सपोज्ड होंगे, कवर्ड होंगे ऑपरकुलम से, स्विम ब्लैडर्स नहीं पाए जाते इनके अंदर, स्विम ब्लैडर्स यहां पाए जाते, और यही स्विम ब्लैडर्स आगे जाकर के लंग्स के तौर पर इवॉल्व हुए, ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है। यही स्विम ब्लैडर्स के मॉडिफाइड, या हम कह सकते हैं कि जो एसेसरी फॉर्म्स हैं वो देखने को मिलते हैं, और इन्हीं में से कुछ ऐसे कंपोनेंट है जो कि लंग्स के तौर पर इवॉल्व हुए होंगे ऐसा माना जाता है, तो ये यहां पर पाए जाते हैं। देन जो टेल लोब्स है अनइक्वल है, यहां पर इक्वल है, यहां पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, यहां पर दोनों ही तरीके का हो सकता है। दिस इज व्हाट द कंप्लीट आउटलाइन, ये बताया था मैंने, ये वाला अनइक्वल होगा, ये वाला इक्वल होगा, यहाँ पर जो गिल्स होंगे वो ढके हुए होंगे और यहाँ के गिल्स ओपन वाले होंगे, ऐसे कुछ बेसिक फीचर्स जिसके बेसिस पर डिफरेंशिएशन करते हो आप। डिप्नोइज, तो क्यों सभी को छोड़कर के डिप्नोइज के बारे में बात कर रहे हैं या कीलोकैंथ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये ऐसे ग्रुप है जिनके अंदर वो फीचर्स देखने को मिले, दैट इज जो भी फिन्स हैं, फ्रंट फिन्स हैं, आगे के फिन्स हैं, इन फिन्स के अंदर कुछ छोटे छोटे बोन लाइक अपीयरेंसेस देखे जाते हैं, जो कि माना गया है कि शुरुआती फोर लिम्स या हिंड लिम्स के तौर पर पाए गए, कहां पर, कुछ मेंबर्स के अंदर, किसके, डिप्नोए के, दैट इज नथिंग बट अ लंग फिश। सो लंग फिश क्या मानते हैं इनको हम लोग, कनेक्टिंग लिंक या लिविंग फॉसिल, ऐसा कुछ कहते हो आप लोग, किसके बीच में, सुहा और क्रैनियाटा इज ऑल्सो नोन एज प्रोटो कॉर्डेटा। अच्छा, आप लोग आपस में बात कर रहे हो, हाँ जी। तो अब हम जरा इन्हीं के बारे में बात कर लें। ऐसा माना गया है कि इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं ये पानी के अंदर भी ब्रीदिंग कर सकते हैं, पानी के बाहर भी आकर के ब्रीदिंग कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली क्या हुआ होगा उस प्रिमिटिव एनवायरमेंटल कंडीशन में, अगर इसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए कि हाउ दीज फिशेस दे आर अडेप्टेड देयर सेल्फ टुवर्ड्स द लैंड एज वेल एज इनटू द वाटर, तो कंडीशंस आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। वो किताबें कहती हैं कि उस समय में कुछ ऐसी कंडीशंस बनी, जैसे कि हाई टाइड लो टाइड वाली कंडीशंस, मतलब जनरली देखा गया कि जो वाटर लेवल है वो बहुत ज्यादा कम होता हुआ दिखाई दिया, मतलब जहां हर तरफ समंदर हुआ करता था ये अब जब कम होने लगे, कई ऐसे प्लेसेस रहे जहां पर पानी काफी ज्यादा नीचे जा चुका था, तो अब देखने को मिलता है कि हाई टाइड हो तो काफी समय तक वहां पर पानी रहे, और फिर एक ऐसा भी वक्त रहेगा जब वहां पर पानी बहुत लंबे समय के लिए मिनिमम होगा। ऐसे कुछ कंडीशंस माने जाते हैं किसके लिए, इन लंग फिशेस के अंदर ये जो यूनिक अडेप्टेशन है इसके लिए।
कि जब पानी प्रेजेंट रहता होगा तो फिर ये पानी के अंदर ज्यादातर वक्त गुजार लेते होंगे, लेकिन जब पानी कम हो जाए, वाटर लेवल बहुत डाउन हो जाए, तो उस समय पर ये उस कंडीशन में कैसे जिंदा बचे होंगे। सो बिकॉज ऑफ ऑल सच काइंड ऑफ कंडीशंस दे हैव डेवलप्ड दैट एडेप्टेशन कि अब जब वाटर लेवल बहुत कम हो जाए तभी भी ये हवा में सांस लेकर के जिंदा रह सके। और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो फिन्स हैं उसके अंदर छोटे छोटे बोनी अपीयरेंसेस आने शुरू हुए जो कि बॉडी को आगे की तरफ पुश करने में काम आते रहे होंगे, ऐसी कुछ बातें किताबों में बताई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानी है किसकी, द लाइफ टुवर्ड्स लैंड, जीवन जमीन की तरफ। अब ध्यान से ये सारा कुछ एक साथ एक इमेज में देखने की कोशिश करें। आई होप ये सब कुछ दिख रहा होगा आप सभी को। डबल ब्रीदर्स, हाँ जी सही बात। चलो आंसर दो पहले, लैक ऑफ वाटर। चलो पहले जवाब दो कि ये सब चीज प्रॉपर दिख रही है, विजिबल है सब कुछ, जो भी मैंने अभी तक बताया है वही सब यहां पर इस विजिबल नहीं है। चलो ठीक है, करते हैं विजिबल, यही वाला तरीका। ठीक है, अब दिख रहा है। चलो सारी चीजें एक साथ देखें, तो ये वाला जो फीचर हो गया ये तो किसका हो गया, ऑडिट्स का, नोटोकॉर्ड, डोर्सल, होलो, नर्व कॉर्ड, ये सब तो कॉर्डेट्स के फीचर हो गए। फिर इसी कॉर्डेट में से फिर आपका ये एक सबसे प्रिमिटिव ग्रुप आप देख रहे हो जो कि किसका है, पढ़ रखा आपने, ठीक, सेफालोकॉर्डेट्स का, लैंसलेट्स का। फिर यूरोकॉर्डेट्स आ गए जिनको आप क्या कह रहे हो, प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक। और प्रोटोकॉर्डेट्स के बाद फिर आपका कौन सा ग्रुप शुरू हो गया, वर्टिब्रेट्स का। वर्टिब्रेट्स के अंदर अग्नथा, दैट इज नथिंग बट अ साइक्लोस्टोम्स, हैजफिश, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है इसके अंदर, है ना, ये देखो न्यूरल क्रस्ट, और इसके अंदर अकेले क्या प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड। फिर आगे आ गया ग्नाथोस्टोमेटा, और ग्नाथोस्टोमेटा के अंदर अब वो सारे फीचर्स प्रेजेंट हैं, कॉन्ड्रिस्थाइस, फिर ऑस्टिस्थाइस। और अब इस कॉन्ड्रिस्थाइस और ऑस्टिस्थाइस के अंदर हम तो बात कर रहे हैं किसके बारे में, डिप्नोइज के बारे में, ठीक, डिप्नोइज ये वाले। और डिप्नोइज ही वो लीनिएज है या वो मेंबर्स हैं जो कि सबसे करीबी माने गए किसके, उस एंसेस्टर के जिससे ये बने बाकी सारे मेंबर्स, ठीक है। तो ये सारा फीचर यहां पर दे रखा है। अब टेट्रापॉड्स, टेट्रापॉड्स के अंदर एमनियोट्स, एमनियोट्स के अंदर फिर मैमल्स एंड रेप्टिलियंस, यही सारी बातें चलती हैं, मैमल्स रेप्टिलियंस। तो ये एक अलग ही लीनिएज है रेप्टिलियंस का, जिसको डायनासोर्स का लीनिएज कहते हैं, और दिस इज व्हाट द एंसेस्टर लीनिएज ऑफ एव्स, बर्ड्स। और ये रहा मैमल्स अलग सा मिडल में, ठीक है। तो ये जो आउटलाइन है ना, ये थोड़ी सी समझनी है आपको, तब जाकर के सब कुछ समझेगा कंप्लीट आउटलाइन क्या है, किसका क्या कनेक्शन है। तो यहां से हम आगे जाकर के पढ़ने वाले हैं कि सिनाप्सिड्स और डायाप्सिड्स वाली दो कैटेगरी शुरू हुई, दिस इज व्हाट द सिनाप्सिड वाली कैटेगरी जो कि मैमल्स की है, डायाप्सिड वाली कैटेगरी से सारे के सारे मेंबर्स हैं, और इन्हीं डायाप्सिड से हम मानते हैं कि बर्ड्स बने, दैट इज नथिंग बट अ लीनिएज ऑफ डायनासोर्स, ठीक है। तो ये सब कुछ है, नाउ क्लियर सर। बस किरण जी तो हमेशा जो है बस पे अटके रहते हैं, बस करो आज बहुत हो गया। तो क्यों जो लाइफ फॉर्म है वो पानी से निकल करके जमीन पर आया, उसकी सबसे बड़ी वजह आपके सामने है, ठीक है। इस इमेज में वो जो इंफॉर्मेशन है, जो मैसेज है, वो छुपा रखा है कि व्हाई द लाइफ हैज मूव फ्रॉम वाटर टुवर्ड्स लैंड। अगर आपको मैसेज समझ में आया तो बताइएगा। तन्वी के क्वेश्चन का जवाब दें, क्या भी तन्वी का क्वेश्चन, तन्वी तन्वी बेटा कहाँ है आपका क्वेश्चन, बेटा आपका क्वेश्चन कहाँ है तन्वी, एक बार फिर से भेजो।
चलो कुछ बच्चों को समझा है। समझा कि नहीं समझा? इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन वॉटर ड्यू टू पॉपुलेशन इंक्रीज। अरे कुछ भी है, जाने दो, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो लाइफ है ऐसा माना जाता है कि पानी से जमीन की तरफ इवॉल्व हुआ होगा, और ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना। हाँ जी, एडेप्टेशंस, एम्फीबियंस, हाँ सुनिए, ये कुछ वही मेंबर्स हैं किसके, डिप्नोई के या कीलोकैंथ के, जो कि माने जाते हैं कि उस समय पर जिंदा थे, और इनके अंदर वो सारे यूनिक एडेप्टेशंस पाए जाते हैं जिनको देख करके ये कहा जा सकता है कि दोज फिन्स, फोर फिन्स एंड देन जो भी हिंड फिन्स हैं, यही फिन्स आगे जाकर के किसमें बदल गए, अपेंडिजेस में। इनके अंदर पाए जाने वाली बोन्स इस बात का सबूत है। कैसे? सो टिक्टालिक वाला जो फॉसिल मिल चुका है, दिस पर्टिकुलर फॉसिल इज एक्चुअली शोइंग दोस यूनिक काइंड ऑफ एक्सटेंडेड अपेंडेजेस जो कि बॉडी से बाहर की तरफ निकले हुए हैं, और वो क्रॉल करने में हेल्प करते हैं, और माना जाता है कि यही आगे चल के भविष्य में क्या बने, लेग्स और आउटग्रोथ, राइट, जो भी फोर एंड हिंड लिम्स पाए जाते हैं उनकी तरह से पाए गए। तो ये दो नाम ध्यान रखेगा, अकैंथोस्टेगा और टिक्टालिक, ये दो नाम कई बार क्वेश्चंस में दिख जाते हैं जब कभी भी यहां से क्वेश्चन बनता है, अकैंथोस्टेगा और टिक्टालिक, ठीक है। नाउ सीधे बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, वर्टिब्रेट्स के अंदर, टेट्रापोडा, क्योंकि इसी डिप्नोई वाले ग्रुप्स में से ही क्या बने, वर्टिब्रेट्स में वो सारे मेंबर्स जो कि जमीन पर पाए जाते हैं। लेकिन अब आप जिस ग्रुप की बात कर रहे हो, दैट इज टेट्रापोड, टेट्रापोड मतलब चौपाया जानवर, चार पैर के जानवर, राइट। लेकिन इसके अंदर जो भी कैटेगरीज हैं, सबसे पहली कैटेगरी जिसको कहा गया एम्फीबिया, एम्फीबिया मींस ऐसे मेंबर्स जो कि जमीन पर भी और साथ ही साथ पानी में दोनों प्रकार के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइट्स के केस में आपने बात की थी, ठीक है, एम्फीबिया, सलामेंडर, फ्रॉग एंड सिसिलियंस। फिर रेप्टिलियोमॉर्फा, रेप्टिलियोमॉर्फा इसलिए क्योंकि रेप्टिलियंस से ही आगे के सारे जो भी मेंबर्स हैं वो इवॉल्व हुए, जिसमें सिनाप्सीड्स जो है वो मैमल्स, और एनाप्सीड्स जो है ये टॉटेरियंस या फिर टर्टल्स कह दीजिए, और फाइनली डायप्सीड मतलब रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ रेप्टिलियंस, ओके। उसी के साथ साथ उसी में आ गया बर्ड्स। तो ये जो आगे की आउटलाइन है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि बात करो टेट्रापोडा की, टेट्रापोडा में एम्फीबियन इज अ डिफरेंट ग्रुप, आपने उसको पढ़ा, बात खत्म। रेप्टिलियोमॉर्फा के अंदर फिर ये सारे तीन कैटेगरीज आ जाते हैं, सिनाप्सीड्स, एनाप्सीड्स एंड डायप्सीड्स, और यही कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। कैटफिश किस ग्रुप से बिलोंग करती है? कैटफिश किस ग्रुप से बिलोंग करती है? वो भी कहीं ना कहीं बोनीफिशेस वाले कैटेगरी से ही बिलोंग करती है। डॉगफिश, कैटफिश, बोथ आर पाइसेस। हां जी सही बात सर। बर्ड्स कैसे? हाँ भाई, बर्ड्स डायनासोर से इवॉल्व हुए हैं। The ancestors of birds are dinosaurs. जैसे कि Archaeopteryx dinosaur ही था। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला ग्रुप amphibians, amphibians के क्या क्या फीचर्स हैं? अब इसके आगे मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला, क्यों? क्योंकि अब हायर ग्रुप्स के बारे में मेजोरिटी ऑफ जो भी बॉडी मॉर्फोलॉजी है या लाइफ साइकिल है उससे रिलेटेड जानकारी आपके पास है, ठीक है। क्या कह रहे हैं भाई, ड्रैको, फ्लाइंग रेप्टाइल्स, हाँ ठीक है, एक्सटिंक्ट और नॉट, ड्रैकोस, फ्लाइंग रेप्टाइल्स, ड्रैकोस मेरे हिसाब से तो पाए जाते हैं, एक्सटिंक्ट नहीं हुए अभी वो। आप गेकोस की बात करो, ड्रैकोस की बात करो, गेकोस मतलब छिपकलियां, वो पाई जाती है, ड्रैकोस ये कौन सी ग्रुप है देखनी पड़ेगी। चलो सो सबसे पहला जो एम्फीबियंस वाले ग्रुप में आप बात करो वो है सिसिलियंस। सिसिलियंस मतलब अपोडा के मेंबर्स, अपोडा मीन्स एम्फीबियंस विदाउट लेग, कोई भी एक्सटर्नल अपेंडेज नहीं, वर्म लाइक बॉडी है जो कि म्यूसिलेजनस सिक्रेशंस की वजह से कोटेड होती है,
एंड दैट म्यूसिलेजन सिक्रेशंस दे मे बी पॉइजनस इन नेचर. ठीक है, तो ऐसे किसी ग्रुप के बारे में बात हो रही है. अपोडा मीन्स विदाउट लेग, लेग नहीं पाया जाएगा ऐसे कुछ मेंबर्स. अगेन द विजन सिस्टम इज वेरी प्योर पुअर टाइप ऑफ विजन सिस्टम. तो ये सबसे पहला ग्रुप है. अगेन मैं डिटेल सारे इसके ऊपर नहीं जाने वाला, ये आपके लिए जस्ट दे रखा है. अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो पढ़ लीजिएगा, और नहीं पढ़ना है तो भी चलेगा, बिकॉज आउटलाइन समझने के लिए ये डिटेल नहीं चाहिए. क्या चाहिए कि एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के अंदर आप सिसिलियंस की बात कर रहे हो, उसके बाद फिर यूरोडेला की बात कर रहे हो, है ना, अपोडा के बाद यूरोडेला, दैट इज नथिंग बट अ टेल कंटेनिंग. यहां पर आपको टेल, प्रोमिनेंट टेल जैसा अपीयरेंस देखने को मिलेगा. ठीक, अगेन काफी सारे फीचर्स वैसे ही हैं जैसे कि आपके सिसिलियंस के हैं. ठीक, स्किन से गैसेस एक्सचेंज कर पाना, स्किन जो है वो काफी ज्यादा मॉइस्ट रहना, या पॉइजनस सिक्रीशंस रिलीज आउट करना, ये सारी चीज है, ये सारे फीचर्स. ठीक, नाउ नेक्स्ट अनुरा. जनरली जब एम्फीबियंस की बात होती है तो आप इन्हीं के बारे में याद करते हैं, दैट इज नथिंग बट टोड और फ्रॉग्स, साइलेंटिया. इस ग्रुप से बिलोंग करने वाले सारे मेंबर्स. यूनिक फीचर है, आप जानते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर आप देखें तो हेड है और फिर पूरी बॉडी है, गर्दन गायब है, नेक इज नॉट प्रेजेंट, है ना. उसके बाद टेल लाइक अपीयरेंसेस होते हैं, और स्किन की मदद से कई बार ब्रीदिंग, गैसेस एक्सचेंज का ज्यादातर ये काम करते हैं. ये सारी बातें हम सुन चुके हैं या पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं. तो हायर ग्रुप्स के बारे में अपनी ज्यादा बात नहीं करनी है अपने को, सिर्फ काम भर की बात है, दैट्स इट. टेल और लिम्ब आर प्रेजेंट, हाँ पैर तो ही है, पैर तो सारे में ही मिलेंगे. आप टेट्रापोडा की बात कर रहे हो, चार पैर मिलेंगे, लेकिन कुछ यूनिक फीचर जैसे गर्दन नहीं होती, ठीक है, ईयर ड्रम्स पाए जाते हैं सुनने के लिए, और टेल पाया जाता है, ये सारी चीज. रेप्टिलियंस, ठीक, टर्टल्स किस में होते हैं? टर्टल्स रेप्टाइल्स के ही मेंबर्स हैं, लेकिन टर्टल्स एक डिस्प्यूट ग्रुप है. किसकी वजह से? एनाप्सिड की वजह से, एनाप्सिडिक कंडीशन की वजह से. एनाप्सिडिक कंडीशन प्रिमिटिव रेप्टिलियंस का फीचर है, लेकिन फिर भी टर्टल्स में दिखता है, तो वो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड ग्रुप है. वो कहां पर रखा जाए इसको लेकर के आज भी गड़बड़ है, ठीक है. बट सर ये आप ऐप में पीडीएफ देना प्लीज. हाँ जी भाई, आप ही के लिए है. चलो आगे बढ़े. अब बात हो रही है सीधे रेप्टिलियंस की, और अगर आप रेप्टिलियंस की बात करें तो आप बात कर रहे हो ट्रू लैंड एनिमल्स की. ट्रू लैंड एनिमल्स मतलब वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिनके अंदर वो सारे यूनिक फीचर्स प्रेजेंट थे जो कि किसी एनिमल को जमीन पर जिंदा रहने के लिए चाहिए थे. तो सारे यूनिक अडेप्टेशन यहाँ पर पाए जाते हैं, और इन यूनिक अडेप्टेशन में कुछ बातें यहाँ लिख रखी हैं, जैसे कि एमनियोटिक एग पाया जाना, ठीक है. एमनियोटिक एग, ऐसे एग जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाए ज्यादा क्वांटिटी के अंदर. इतना ही नहीं, इसके पहले तक के जो भी लाइफ फॉर्म्स है, क्योंकि वो एक्वेटिक से भी बिलोंग करने वाले थे, लाइक एम्फीबियंस की अगर आप बात करें तो इनके एग थिन मेम्ब्रेनस होते हैं, वो थिन कोटिंग पाई जाती है. लेकिन अब देखने को मिलता है, क्योंकि अब आप एक ड्राई एनवायरमेंट में हो जहां नमी या तो जमीन के नीचे है, या तो फिर जब मॉइस्ट कंडीशन होगी, ह्यूमिडिटी वाली कंडीशन होगी, तब दिखाई देगी. दैट्स वाई एग शेल इज प्रेजेंट, जो कि कैल्शियम का कैलकेरियस होता है, और जो कि गैसेस एक्सचेंज कर सकता है. इसी के साथ साथ एमनियोटिक पोर्शन प्रेजेंट है, जो कि इंटरनल कंपोनेंट्स को किसी भी प्रकार के शॉक से बचाने का काम करता है, डिहाइड्रेट होने से बचाने का काम करता है. ड्राई स्किन पाया जाता है, अगेन इट इज बिकॉज ऑफ द लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन टू द एटमोसफियर. थोरासिक ब्रीदिंग पाई जाती है. अब यहाँ पर थोरासिक केज भी प्रेजेंट है, जो ब्रीदिंग में हेल्प करता है, गैस एक्सचेंज में काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन कलेक्शन में हेल्प करता है. ये सारे यूनिक अडेप्टेशन है, जो कि तब देखे गए जब एनिमल पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स के लिए अडप्ट हुए. इफ आई टेक 3 month सब्सक्रिप्शन ऑफ IFS गेट BT, द ऑल सिलेबस विल बी कवर्ड? नॉट पॉसिबल बेटा. कैसे पॉसिबल है? हो सकता है क्या? जो चीज हम 6 महीने में या साल भर में पढ़ाते हैं, आप कह रहे हो कि अगर मैं उसे 3 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लूं तो वो कवर अप होगा? ये तो नामुमकिन सी बात है ना? नहीं हो सकता. अब ध्यान से जो आउटलाइन है रेप्टिलियोमॉर्फा वाले ग्रुप का वो समझो, क्योंकि रेप्टिलियोमॉर्फा वाले ग्रुप का ये जो आउटलाइन है, यहां से कई बार क्वेश्चंस है, ठीक है. तो जैसे कि हमने कहा कि स्कल
जो भी है उसके अंदर जो टाइप्स पाए जाते हैं उसके बेसिस पर तीन ग्रुप्स में कैटेगराइज कर दिया गया है जो भी रेप्टिलोमॉर्फ के ग्रुप हैं उन सभी को, राइट। तो सबसे पहला जो टाइप है दैट इज कॉल्ड एनाप्सिड्स। एनाप्सिड्स का एग्जैक्टली क्या मतलब है, जो स्कल है उसके अंदर आई सॉकेट्स पाए जाते हैं, ये रहे आई सॉकेट्स, ऑर्बिट्स कह दिया, ये नॉस्ट्रल के ओपनिंग्स हैं, एक इस तरफ है दूसरा उस तरफ है, सिर्फ और सिर्फ इतनी ही ओपनिंग्स पाई जाए, आई सॉकेट्स हो नोस्ट्रिल्स हो, राइट, और उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ओपनिंग ना हो तो इनको एनाप्सिड्स कहते हैं, ठीक है। जबकि डायप्सिड में क्या देखने को मिलेगा, डायप्सिड्स में या फिर आप पहले सिनाप्सिड से बात कर ले, सिनाप्सिड्स में आई सॉकेट्स है उसके बाद नोस्ट्रिल के ओपनिंग्स है, उसके अलावा आपको क्या मिल जाएंगे यहां पर लैटरल टेम्पोरल ओपनिंग्स, इस तरफ भी है उस तरफ भी है, पेयर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। क्या काम है इनका, तो जो भी जॉ मसल्स हैं वो इसमें ही आकर के कनेक्टेड होते हैं अंदर से, तो जॉ मसल्स जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा ही हॉर्स पावर की बाइट लगा पाएगा जो एनिमल है वो। तो ये सिनाप्सिड्स के अंदर ऐसी सिचुएशन है, बट वहीं पर डायप्सिड्स के अंदर दो अलग अलग ऐसे सॉकेट्स हैं, दैट्स व्हाई डायप्सिड इंस्टेड ऑफ आई सॉकेट एंड नोस्ट्रिल, तो अब यहां ज्यादा मसल्स फिट होते हैं जिसकी वजह से अब ये ज्यादा हाई हॉर्स पावर की बाइट से या बाइटिंग कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं, बड़ी बेसिक बातें हैं कि भाई यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा ओपनिंग नहीं है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ओपनिंग है पेयर्ड फॉर्म में, यहाँ पर दो है, दैट्स व्हाई डायप्सिड। ऐसे तीन कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ओपनिंग्स प्रेजेंट इन अ स्कल। सीएसआर नेट अक्टूबर में जाएगा क्या, अक्टूबर में जाएगा, सितंबर में होने वाला था अगर मान लीजिए, हाँ पॉसिबल है, पॉसिबल है, ठीक है। चलो अब जो आउटलाइन है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ स्कल वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो हम कहते हैं एनाप्सिड इज अ प्रिमिटिव कैरेक्टर, फिर एनाप्सिड से दो लिनेजेस आते हैं, एक तो आता है सिनाप्सिड वाला जो कि मैमल्स का है, एक आता है डायप्सिड वाला जिसने सारे के सारे रेप्टिलियंस को फॉर्म किया। तो सारे रेप्टिलियंस जो है वो डायप्सिड्स हैं एक्सेप्ट वन, दैट इज टर्टल्स या टेस्टुडीन्स, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर इसी से एक ग्रुप आया जिसको हम डायनासोर्स का लिनेज मानते हैं, आर्किसोर्स कह दिया जाता है, आर्किसोरिया कह दिया जाता है, ये सारे लेपिडोसोरियाज हैं, बाकी के सारे रेप्टाइल्स, और वो रेप्टाइल जिनसे डायनासोर्स बने उनको हम आर्किसोरिया कह देते हैं, और इसी से बिलोंग करता है क्रोकोडाइल। सो क्रोकोडाइल इज अ डायनासोर, ठीक है, क्रोकोडाइल इज अ, हम कह सकते हैं लास्ट रिप्रेजेंटेटिव और ओनली वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव किसका, डायनासोर का, जो जिंदा है, जो कि उनके जैसा भी दिखता है, उनके सारे फीचर शो करता है, और उसी के साथ साथ आप देखेंगे उन्हीं से इवॉल्व एक लीनिएज है कौन से, बर्ड्स का। इसलिए हम कहते हैं कि द बर्ड्स दे आर एक्चुअली इवॉल्व फ्रॉम द डायनासोर्स, ठीक है, सबसे करीबी किसका है, डायनासोर्स का। क्या रिप्लाई करें फौजिया को, सर ये लास्ट क्लास है क्या, हाँ क्योंकि आज आप लोगों ने 100 तक नहीं पहुंचाया इसीलिए, ठीक है, तो आज की लास्ट क्लास है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वही आउटलाइन दे रखी है आप सभी के लिए, सारे इमेजेस मैंने सेट करके रखे थे, फिर से गड़बड़ होती है। हाँ जी एग्जैक्टली वही आउटलाइन, अगर आप सिर्फ डायप्सिड्स की बात कर रहे हैं तो डायप्सिड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू लाइक दिस, लेपिडोसोरिया आर्किसोरिया। लेपिडोसोरिया में सारे के सारे रेप्टिलियंस आ गए जो भी आप एग्जांपल्स पढ़ते हो, आर्किसोरिया के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स आ गए, क्रोकोडाइल्स वाला आ गया, टेस्टुडीन्स आ गए और एव्स आ गए, दैट इज नथिंग बट बर्ड्स, तो ये सारे के सारे मेंबर्स यहां पर आ जाते हैं। दिस इज अगेन द आउटलाइन ऑफ दैट एंटायर ग्रुप रेप्टिलोमॉर्फा, ठीक है, अगेन लेपिडोसोर्स डायनासोर्स और ये आर्किसोर्स के अंदर के डायनासोर्स, और यही डायनासोर से बिलोंग करता है ये बर्ड, अरे इसी से बिलोंग करता है बर्ड, ठीक है, राइट। और अगर आप मैमल्स की बात करें तो मैमल्स को बर्ड से बहुत करीबी मत बताना क्योंकि बात गलत हो जाएगी। मैमल्स सबसे करीबी किसके हैं देखो जरा, अगर आप चेक कर पा रहे हैं तो ये इतना सारा ये जो ग्रुप है
ये सब, क्योंकि अगर मैं इस वाले नोट से घुमा दूं तो फिर आप ये इसके करीब ही नहीं देखोगे। हाँ, ये बात अलग है, दोनों पैरेलल इवॉल्व हुए हैं, दोनों जब इवॉल्व हो रहे थे, स्पेशली आप मैमल्स की बात कर रहे हो, तो ठीक ठाक टाइम एक जैसा रहा होगा, ये अलग बात है, लेकिन आप इसको सिस्टर ग्रुप मत कह देना, गलत हो जाएगा। इसका एवोल्यूशन सिनाप्सीड से है, इसका एवोल्यूशन डायप्सीड से है, बहुत ही अलग अलग एंसेस्टर लीनेजेस हैं इनके, राइट? सर आपने प्रॉमिस किया था कि आप कंप्लीट कराओगे, हाँ हो गया कंप्लीट, आज एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, मतलब सारा हो गया ना, आप क्या कंप्लीट ही पढ़ा है मैंने। देखो हमने शुरुआत की बैक्टीरिया से, फिर हमने पढ़ा आर्किया, बैक्टीरिया खत्म किया, प्रोटिस्टा खत्म किया, प्रोटिस्टा के बाद हमने फंजाई खत्म किया, फंजाई के बाद हमने प्लांट्स खत्म किया, प्लांट्स के बाद एनिमल्स खत्म किया, पूरी डाइवर्सिटी तो पढ़ डाली लाइफ फॉर्म्स की, है ना। चलो फाइनली बर्ड्स, ओके। और अब बर्ड्स के अंदर क्या यूनिकनेस है, मतलब अगर मैं रेप्टिलियंस से बर्ड्स को अलग करूं तो क्या ऐसे फीचर्स होंगे जिसके बेसिस पर अलग कर सकते हैं। एवोल्यूशनरी ट्रेंड आपको बता दिया मैंने, भाई डायनासोर्स के वंशज हैं ये, और वहीं पर मैमल्स, वो तो रेप्टिलियंस का एक लीनेज था जिससे वो फॉर्म हुए, तो ये बात है, दोनों की अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक यूनिक बात है जो इन दोनों में देखने को मिलती है, मैमल्स में और बर्ड्स में, जो बाकी किसी में नहीं है। मैमल्स और बर्ड्स में जो एक नई चीज देखने को मिली, जो अभी तक के इनके किसी भी एंसेस्टर में नहीं था, वो थी एंडोथर्मी, है ना, कंटिन्यूअल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी हो गई ना, आज लास्ट क्लास है, कल क्लास नहीं होगी, होगी कल भी क्लास होगी, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो ऑलमोस्ट आज हमने खत्म कर दिया। वर्टिब्रेट वन, अरे वर्टिब्रेट तो पढ़ रहे हो, वर्टिब्रेट अगर चालू है ना, ये सब वर्टिब्रेट ही तो है। ओके, लाइव में भी मैक्सिमम बॉटनी एक हफ्ता बॉटनी पढ़ी आपने, एक हफ्ता आपने एनिमल पढ़ा, आप बोल नहीं सकते मैक्सिमम बॉटनी पढ़ी है ना। चलो अब ध्यान से सुनिए, तो बर्ड्स और मैमल्स में जो सबसे यूनिक बात है वो ये है कि दोनों एंडोथर्म्स हैं, राइट। इसके पहले के सारे मेंबर्स आप कोई भी उठा लो, आप रेप्टिलियंस की बात कर लो, आप एम्फीबियंस की बात कर लो, आप फिशेस की बात कर लो, आप उसके बाद जो इनवर्टिब्रेट्स हैं सारे उनकी बात कर लो, सबके सब क्या है, एक्टोथर्म्स। लेकिन अब ये जो मेंबर्स थे इनके अंदर यूनिक फीचर जो देखा गया, दैट वॉज एंडोथर्मी बिहेवियर। एंडोथर्मी का मतलब अभी अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे थे। क्या फायदा था इनको, या क्या फायदा हुआ इनको, सोचो। इसके पहले इतने सारे लाइफ फॉर्म्स हैं जो कि कैसे हैं, एक्टोथर्मिक, मतलब दे डिपेंड्स ऑन अ सराउंडिंग टेम्परेचर, उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा या सराउंडिंग टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इकलौते ये इतने ज्यादा पैसे वाले कैसे हो गए कि इन्होंने एंडोथर्मी डेवलप कर ली, है ना, क्यों? क्योंकि व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द मैमल्स, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द बर्ड्स, ये ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाली है, सबसे ज्यादा एटीपी बना सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, इसीलिए इनमें पाया जाता है। बट रेस्ट ऑफ जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनमें शायद एटीपी इतनी सारी खर्च करना और इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखना वो अफोर्डेबल नहीं रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो फीचर था ये इनमें फायदेमंद था, इसकी वजह से ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में अच्छे से डाइवर्सिफाई हो पाए। क्योंकि अगर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मैक्सिमम पर रहती हैं, जो भी फेजेस है लाइफ साइकिल की वो भी जल्दी जल्दी आते हैं, और ऐसा होने से जो ग्रोथ रेट है वो ठीक ठाक बनी रह सकती है। और इस वजह से शायद जो हायर मेंबर्स हैं जब इनमें एंडोथर्मी आई तो दैट वॉज बेनिफिशियल फॉर देम, एंड दैट्स वाई दैट फीचर इज स्टिल देयर इन टू द मेंबर्स ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। मंजू कल भी वर्टिब्रेट की फर्स्ट क्लास पढ़ाएंगे सर। अच्छा, देखो ये लोग आपस में एक दूसरे को मना रहे हैं। बैक्टीरिया कम पढ़ा, बैक्टीरिया काम भर का बहुत पढ़ा है ना, बहुत पढ़ा। इससे ज्यादा पढ़ोगे, पढ़ तो लोगे लेकिन एग्जाम में काम नहीं आएगा। चलो आगे। हाँ, अब वो सब यूनिक बातें हैं जो हम करने वाले हैं, जैसे कि बर्ड्स में क्या क्या यूनिक फीचर होता है। तो बर्ड्स में बड़े यूनिक फीचर्स या यूनिक अडेप्टेशन जो हैं वो क्या क्या है, लंबी सी लिस्ट है, मेरा पढ़ने की इच्छा नहीं होती इसको, लेकिन कुछ बातें मैं इससे कहना चाहूंगा कि एंडोथर्मी पाई जाती है, ये तो मैं बता चुका हूँ। दूसरी बात, पूरी बॉडी जो है फेदर्स से ढकी हुई है, राइट। अगली चीज, यहां पर
जो स्किन है उसके ऊपर आपको कुछ ऑयली ग्लैंड्स नहीं मिलेंगे, मतलब इनको पसीने वसीने नहीं आते, इनको ऑयल सेक्रेशंस ऐसा कुछ नहीं होता इनकी बॉडी के ऊपर। उसके बाद अगर आप इन्हें हाथ लगाएंगे तो पता चलेगा कि गर्म बॉडी होती है इनकी, बोट शेप का इनका जो ये केज है, रिब केज है, वो प्रेजेंट होता है। शरीर हल्का रहे इसलिए इनकी हड्डियां अंदर से खोखली होती है, होलो बोन्स होते हैं, न्यूमेटिक बोन्स आप जो भी कहते हो। एंड देन उसके बाद फिर एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट है, शरीर को हल्का रखते हैं, बोयंसी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ज्यादा वजन ना हो जाए शरीर का, इसीलिए कई सारे बॉडी ऑर्गन्स जो पेयर्ड फॉर्म में होने चाहिए वो यहाँ सिंगल सिंगल होते हैं। ऐसे बहुत यूनिक प्रकार के अडेप्टेशन बर्ड्स में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी एक बड़ा यूनिक सा ट्रेस पाया जाता है जो इनको लिंक करा सकता है डायनासोर से, क्या? पैरों के ऊपर जो छिलके पाए जाते हैं, जो कवरिंग होती है ना, वो स्केली अपीयरेंस शो करती है, जो कि जंगली किसका फीचर है? रेप्टिलियंस का। ऐसे बहुत सारी बातें, बहुत सारे फीचर्स है, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि कहा गई वो लाइन स्केल्स ऑन देयर लेग्स, पैरों के ऊपर वो जो स्केल्स पाए जाते हैं, ऐसा लगेगा कि जो रेप्टिलियंस होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर भी थिक प्लेट जैसे स्केल्स होते हैं, एग्जैक्टली सेम है। तो कई सारे ऐसे फीचर जो इनको प्रिमिटिव लोगों से जोड़ते हैं, कई सारे ऐसे फीचर जो सिर्फ इनमें पाए जाते हैं, जैसे कि क्रेनियल नर्व्स के बारे में बात कर ली जाती है, फोर चेम्बर्ड हार्ट के बारे में बात कर ली जाती है। फोर चेम्बर्ड हार्ट रेप्टिलियंस में भी है, इनमें भी है। रेप्टिलियंस में किसमें है? क्रोकोडाइल में है। क्यों? क्योंकि ये इनका सिस्टर ग्रुप है ना, करीबी है, किसका? बर्ड्स का। कौन? क्रोकोडाइल। तो इन दोनों में सेम फीचर्स है, लेकिन रेस्ट ऑफ रेप्टाइल्स दे आर हैविंग थ्री चेम्बर्ड, फिशेस में टू चेम्बर। ये सारी बातें ध्यान रखें। फाइनली कंप्लीट आउटलाइन आज डिस्कस करके हम खत्म कर देंगे और कल के दिन कॉल सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस। तो चिंता ना करें, कल भी हम पढ़ने वाले हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑयल और प्रेजेंट, अच्छा, प्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन अ बर्ड्स, हाँ थोड़ी मात्रा में, बट पसीना उनको नहीं होता। सेबेशियस ग्लैंड तो चलो ठीक है, ऑयल ग्लैंड ही हो गया, लेकिन इनके पास वो स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। टू ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल्स। अब आप फिजियोलॉजी में घुस रहे हो, बाहर रहे, डाइवर्सिटी पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो सर, आईसीएमआर के प्रैक्टिस भी कराने हैं, जब मैं इस सीरीज को रोकूंगा तब जाकर के कुछ नई सीरीज ऐड हो पाएगी, या हो सकता है कि पैरेलली और एक सीरीज हम लगाएं, देखते हैं क्या होता है, वो भविष्य है ना, मैंने पहले कह दिया है। तो देखो, ये कंप्लीट आउटलाइन है जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, कई बार ये क्वेश्चंस में सीधे सीधे दिख जाता है। सिनाप्सिड्स मैमल्स वाला लीनियज ध्यान रखिएगा, भूलिए नहीं। एनाप्सिड टेस्टिड्यूइंस वाला लीनियज ध्यान रखिएगा, और डायप्सिड्स मतलब सारे के सारे रेप्टिलियंस प्लस डायनासोर्स, मतलब लेपिडोसौरिया, अरे कहाँ चला गया, लेपिडोसौरिया और आर्किसौरिया, ठीक है, ध्यान रहेगा। फोर चेम्बर्ड हार्ट यहाँ पर इवॉल्व हुआ, इसीलिए दोनों में पाया जाता है, किसमें? क्रोकोडाइल्स में भी और बर्ड्स में भी। अगेन वही सारी चीजें, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं मैमल्स के बारे में। फाइनली मैमल वाला ग्रुप आ चुका है, ठीक, और अब मैमल्स के अंदर क्या यूनिक फीचर्स पाए जाते हैं उसकी लिस्ट और बात खत्म। तो मैमल्स कैसे अलग थे? मोनोफाइलेटिक ग्रुप है, अभी आपने देखा कि एक ही लीनियज से शुरुआत हुई इनकी और यहीं से शुरुआत होकर के डाइवर्सिफाई हुए, दैट्स व्हाई दिस ग्रुप इज कॉल्ड मोनोफिलेटिक ग्रुप। क्या यूनिकनेस है मैमल्स के मेंबर्स के अंदर अगर आप बात कर रहे हैं, इफ यू कंपेयरिंग विद द अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो सबसे पहले और सबसे यूनिक चीज आप देखेंगे कि जो स्वेट ग्लैंड्स थे, नाउ दे आर गेट मॉडिफाइड एज अ मैमरी ग्लैंड्स, राइट, एंड दीज मैमरी ग्लैंड्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन, ओके। एंड देन ये भी यूनिक चीज है कि अगर आप बर्ड्स में बात करें तो उनके ऊपर फेदर्स पाए जाते हैं, लेकिन अब इन ग्रुप के मेंबर्स के ऊपर फर जैसा अपीयरेंस पाया जाता है, हेयर्स पाए जाते हैं जो पूरी की पूरी बॉडी को ढकते हैं, एंड दे जनरली डू अ इंसुलेशन काइंड ऑफ एक्टिविटी। सो इंसुलेशन करने का काम करना, हीट को बॉडी से बाहर जाने से रोकने का काम करना, ऐसे सारे एक्टिविटीज या ऐसे सारे रोल्स प्रेजेंट हैं इसके। देन प्लासेंटा, ठीक, कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं या मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स मैमल्स के कैसे हैं, प्लासेंटल मैमल्स, या फिर हम कह दें कि हेमी प्लासेंटल मैमल्स, मतलब आप बात करो थेरियंस की, है ना, थेरियंस, यू थेरियंस, ऐसे कुछ कैटेगरीज।
फिलहाल सबसे यूनिक बात यह है कि जब मैमल्स की आप बात करें तो आप शुरुआत करते हैं सबसे प्रिमिटिव मैमल्स से, दैट इज नथिंग बट अ मोनोट्रीम्स। मोनोट्रीम्स मतलब एग लेइंग मैमल्स, दैट इज नथिंग बट अ प्लैटिपस। उसको अगर छोड़ दें तो बाकी सारे मेंबर्स में ये सारा फीचर देखने को मिल जाएगा। जो प्लासेंटा है वो डेफिनेटली सारे मैमल्स का फीचर है, बट मोनोट्रीम्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एग लेइंग एबिलिटी देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं छोटी सी, ध्यान रखें। यहां तक अगर आपने पढ़ लिया तो कंप्लीट आउटलाइन एनिमल क्लासिफिकेशन की आपकी हो गई, ठीक है। यूथेरियंस मतलब मैमल, सही बात। जी हाँ, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, अगर आप मोनोट्रीम्स को छोड़ दो तो, ठीक है। तो ये थी सारी बातें और ये है कंप्लीट आउटलाइन। मैंने कहा था ना कि पूरी आउटलाइन आपको समझा दी जाएगी। अब देखो जो भी आज तक अभी तक एनिमल्स का आपने पढ़ा है वो क्या क्या है, अब क्लियर है कि नहीं है, एक बार बता दीजिएगा मुझे। तो प्रोटोस्टोम्स तक तो सारी बातें अपनी हो चुकी हैं। प्रोटोस्टोम्स के बाद ड्यूट्रोस्टोम्स में सारी चीजें डिस्कस करनी थी, और ड्यूट्रोस्टोम्स में हमने बात शुरू की कहां से, इकाइनों से, इकाइनों के बाद हेमिकॉर्डेट्स, और फिर हम सीधे आ गए किसकी तरफ, कॉर्डेट्स की तरफ। कॉर्डेट्स में फिर आपने देखा सेफालोकॉर्डेट्स, फिर यूरोकॉर्डेट्स, ये सारे मेंबर्स हो गए, राइट। कॉर्डेटा के शुरुआती ग्रुप्स और प्रिमिटिव ग्रुप्स, और फिर आगे वर्टिब्रेट्स के अंदर। वर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे प्रिमिटिव ग्रुप जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, देखो लिख रखा है लॉस ऑफ वर्टिब्री, वर्टिब्री इनके अंदर नहीं पाया जाता, फिर भी ये वर्टिब्रेटा ग्रुप के मेंबर्स हैं, ये एक्सेप्शनल पार्ट। फिर वहीं पर अगर आप बात कर रहे हो लैम्प्रेज की तो इनके अंदर पाया जाएगा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। और फिर आगे कॉन्ड्रिस्थाइस, एक्टिनोपेट्रिगी, और देन एक्टिनो या आप कह दो किलोकैंथ, डिप्नोइस, लंगफिश, और फिर एम्फीबियाज, अन्यूराज एंड यूरोडेला, बात हो चुकी है अपनी। टेट्रापोडा के मेंबर्स हो गए ये। उसके बाद एमनियोटा, दैट मींस अब आप बात करोगे इसके बारे में, एमनियोटिक एग कंटेनिंग मेंबर्स के बारे में, रेप्टाइल्स आ गए, बर्ड्स आ गए और मैमल्स आ गए, सारे डन। तो ये थी अपनी कंप्लीट आउटलाइन एनिमल्स की। नॉट क्लियर, फिर से एक बार। गायब होकर के दिखाते हैं आपको, उतनी ज्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि बड़ा इमेज है और इसको मैंने कट करके लाया है। प्लीज आज की पीडीएफ आज ऐप में डाल दीजिएगा, नोट्स बनाने हैं, टाइम काफी लगेगा। हाँ लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत कुछ पढ़ा है आपने। चलो ये देखो, अभी शुरुआत कहां से की थी, इकाइनोडर्मेटा, ड्यूट्रोस्टोम्स, इकाइनोडर्मेटा हो गया, हेमिकॉर्डेट्स हो गए, हेमिकॉर्डेट्स के बाद फिर आप आ गए कॉर्डेट्स के ऊपर, दैट इज सेफालोकॉर्डेट्स एंड यूरोकॉर्डेट्स, ये दोनों के ऊपर बात कर ली थी हमने, है ना। क्या कहते हैं इन दोनों को हमने, प्रोटोकॉर्डेट्स। फिर कॉर्डेट्स के मेंबर्स जिसमें हमने वर्टिब्रेटा को डिस्कस करना शुरू किया, और वर्टिब्रेटा में हैज फिश, एंड देन फाइनली लैम्प्रेज, कॉन्ड्रिस्थाइस, और ये सारे जो एंसेस्ट्रल लिनेजेस माने जाते हैं, या फिर उस एंसेस्टर के लिनेजेस माने जाते हैं जिससे बाकी सारे लोग इवॉल्व हुए, एंड देन एम्फीबिया एंड मैमल्स, रेप्टिलियंस एंड बर्ड्स, दैट्स इट। ठीक है, तो कैसा लगा एनिमल क्लासिफिकेशन, स्क्रीनशॉट? अरे चलो ले लो, लेकिन ये कुछ दिखाई देगा आपको, पीडीएफ में मिल जाएगा ना, पीडीएफ में मिल जाएगा। पूरा कंटेंट पीडीएफ में डाल देना, अरे सब मिलेगा भाई, सब मिलेगा, कुछ भी गायब नहीं होगा, टेंशन मत लो। तो जो भी बच्चे अभी अभी आए हैं लाइक शेयर करते हुए जाना, ठीक है। आईसीएमआर की टेस्ट सीरीज कब से ज्वाइन, आपकी इच्छा बेटा प्रिया, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, ओके। कोर्स तो अवेलेबल है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट यूनिट, बेटा मैंने कहा कि अभी कंफर्म नहीं है ना, वो चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कोई और यूनिट भी चलेगा
यूट्यूब पर हाँ चलेगा, आज की पीडीएफ जल्दी चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप पे करते हो तुरंत होना चाहिए वैसे, लेकिन अगर हमारे पास अब क्योंकि ऑफर्स चल रहे हैं तो फ्लो ज़्यादा होगा, तो कई बार हो सकता है कि वो कुछ टाइम ले ले, एक आध दिन का समय भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। आपका टेलीग्राम चैनल है? हाँ जी है, IFS के नाम से टेलीग्राम चैनल है। चलो, थैंक यू सो मच।